आज के सत्र में आप सबका स्वागत है नमस्ते तो ये यात्रा चलते चलते आज दसवें दिन तक आ चुकी है और पता ही नहीं चला कि हमने कितने सुंदर गहरे रहस्यों को जाना आज के सेशन में भारत के कोने कोने से ही नहीं विदेशों से भी बहुत से भाई बहन जुड़े हैं उसके लिए आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन है स्वागत है और आज हमारी यात्रा के नाविक रहेंगे डॉक्टर मोहित भाई जो जीबी पंत पंथ हॉस्पिटल दिल्ली में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं साथ ही मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ कार्डियक साइंसेस भी हैं आप दिल्ली ब्रांच ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी के पद के साथ साथ पार्लियामेंट हेल्थ एनेक्स में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बचपन से ही आप कुछ शार्क बुद्धि के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं और बचपन से ही राजशियों का मेडिकल मेडिटेशन करते आ रहे हैं फल स्वरूप इतना सुंदर बैलेंस आपने अपने जीवन में रखा है अक्सर हमारे जीवन में मुश्किलें हार्डशिप्स आती हैं वैसे ही आपके जीवन में भी बहुत से अप एंड डाउन्स आए थे लेकिन आपने स्पिरिचुअल विजडम से उनको जीता और जीवन में बहुत आगे बढ़े और तरक्की करते आ रहे हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद आप बहुत इजी रहते हैं एडजंक्टिव रोल ऑफ मेडिटेशन इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी निरंतर आपकी रिसर्च चलती रहती है राजयोग मेडिटेशन से किसी भी बीमारी पर किस उसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है ये आप बहुत अच्छे से आज इस सेशन में हमको समझाने वाले हैं आप अनेक टीवी प्रोग्राम्स जैसे माइंड मैटर्स अवेकनिंग एंड हीलर्स आस्था जागरण सोनी एंटरटेनमेंट पर आप अक्सर अपनी बातों से पॉजिटिव प्रभाव डालते आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ मेडिटेशन हाँ जी साइंस ऑफ मेडिटेशन क्योंकि आज की वैज्ञानिक लाइफ में जो हम कहें चारों तरफ साइंस के साधन दिखते हैं हमें लगता है मेडिटेशन हमारे को क्यों जरूरी है तो आज हम इस सेशन में जानेंगे कि सब कुछ होते हुए भी जो अंदर एक खालीपन है उसको मेडिटेशन से कैसे भर सकते हैं और ये राज हम जानेंगे सारे साइंटिफिक तथ्यों के साथ डॉक्टर मोहित भाई के साथ ओम शांति भैया आपका बहुत 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 स्वागत है और मैं आप सबको बोलूंगी भैया बहुत बिजी रहते हैं टाइम निकाल कर आए हैं सब एक हाथ से उनका वेलकम करेंगे ओम शांति ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ऑन संडे आफ्टरनून ने दो बातें बोली पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इतवार का दिन है और जब भी मैं इतवार के दिन कभी बात करता हूं तो मुझे एक बहुत सुंदर बात ध्यान में आती है कि सुकून की बात मत करे गालिब सुकून की बात मत करे गालिब वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता आपके बचपन का जो इतवार होता था हा? जब हमको किसी भी चीज की ना जरूरत होती थी ना कोई जरूरी होता था आराम से हमारी जिंदगी चलती थी खेलते थे इंजॉय करते थे पर वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में दूसरा वर्ड आ जाता है वो वर्ड क्या है जो शिका पेन बोल रही हैं कि आप बिजी रहते हैं अब वो बिजी वर्ड जब भी हमारी लाइफ में जुड़ जाता है तो वो हमारी इजीनेस को ले जाता है तो इस यात्रा जो मेडिटेशन की यात्रा है उसमें सबसे पहले हम आरंभ करें तो इस वर्ड बिजी को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए ये वर्ड हमारी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए कि मैं बिजी हूँ बिजी हूँ जल्दी करो जल्दी करो जहाँ ये वर्ड हमारे जीवन में आएगा तो फिर मेडिटेशन साथ में कैसे आ सकता जहां है जहां हमारी लाइफ में चैन है सुकून है तो वहाँ बिजी वर्ड हमारी लाइफ में नहीं आता है और आपकी बहुत सुंदर जो ये यात्रा जिसकी जो नाविक रही हैं हमारी शिखा बहन रही हैं इसके अंदर आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी सोल के बारे में सुना सुप्रीम सोल के बारे में सुना मेडिटेशन के बारे में सुना लेकिन एक प्रश्न हमेशा ये उठता है कि भाई इसको मैं क्यों जानू इसको मैं क्यों समझू मेरी लाइफ में क्यों आवश्यक है या किसी ने कुछ बोली दिया तो क्या उनके कहने से ये मानना ठीक है कि भाई मेडिटेशन मेरे जीवन में जरूर होना चाहिए मुझे इसको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए क्या साइंटिफिक मेरे पास कोई एविडेंस है जिसके द्वारा मैं इस बात को समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ आज इन सब बातों को हम बहुत सुंदर रूप से साइंटिफिक रूप से समझेंगे और इससे पहले इस यात्रा को मैं आरम्भ करू मुझे एक कहानी ध्यान में आती है एक महात्मा की वो महात्मा बहुत सुंदर कीर्तन करता था भजन करता था जगह जगह जाता था और जहां पर भी जाता था वहां पर लोग मंत्र हो जाते थे एक बारी क्या हुआ कि वो एक यजमान ने उसको बुलाया और तीसरी मंजिल पर बहुत बड़े हॉल के अंदर वो भजन और कीर्तन कर रहा था और जहां पर ये चल रहा था तो सडनली वहां पर भूकंप आया अब भूकंप आया तो कई सौ लोग बैठे हुए थे वो बाहर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए कोई कहीं भाग रहा कोई कहीं भाग रहा और जाते जाते जैसे लोग जा रहे थे तो जिस व्यक्ति ने उसको बुलाया था वो व्यक्ति भी उसके साथ बाहर भागने लगा और जैसे ही वो बाहर भाग रहा था तो उसने देखा कि ये महात्मा जो है वो कहीं भाग ही नहीं रहा वो तो बहुत चैन बहुत शांति से बहुत शांति से बहुत चैन से आराम से अपने जगह पर बैठा हुआ है उसको कोई भी परेशानी कहीं पर भी कोई दुख नहीं है वो बिल्कुल शांत था उसे लगा भाई इस महात्मा को मैंने बुलाया है और ये भाग नहीं रहा अपनी जान बचाने को और हम सब भाग रहे हैं तो 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 ऐसे महात्मा के साथ साथ तो अगर मैं बैठ बैठ जाऊं और और प्राण भी चले जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं वो वो उसके गया गया थोड़ी देर बाद भूकंप शांत हो गया। और जैसे ही भूकंप शांत हुआ उस महात्मा ने अपनी आंखें खोली इस व्यक्ति ने भी अपनी आंखें खोली केवल यही थी और कुछ लोग भी वापस आए उस महात्मा ने अपना भजन अपना कीर्तन फिर आरंभ किया तो उस व्यक्ति ने बोला रुक जाइए आप मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मुझे ये बताइए कि जब भूकंप आया तो सब लोग बाहर भाग रहे थे आप क्यों नहीं भागे तो महात्मा मुस्कुराते हुए उससे बोला कि भाई वो भी भाग रहे थे और मैं भी भाग रहा था तो उसने कहा ऐसा कैसे तो महात्मा ने बोला कि भाई वो बाहर भाग रहे थे भूकंप से बचने के लिए और मैं अंदर भाग रहा था निष्कंप स्थिति में जाने के लिए उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए उसने कहा थोड़ा और बताइए महात्मा जी तो उसने कहा कि देखो आज के संसार में लोग पांच प्रकार की यात्रा बाहर करते हैं हर व्यक्ति भाग रहा है और आज हम सब भी यहाँ पर जुड़े हैं अपने आप से ये पूछिए कि इन पांच नावों में से किस नाव में हम लोग भाग रहे हैं वो पांच नावें कौन सी हैं हमारी धन की नाव व्यक्ति भाग रहा है धन की इच्छा में कोई उस नाव में सवार है कोई दो, दो नावों में भी सवार है दूसरी नाव है प्रतिष्ठा की नाव और तीसरी नाव है इच्छाओं की नाव इच्छाओं को परिपूर्ण करने की जो हमारी चाह होती है चौथी नाव है हमारे जीवन की वो जिम्मेवार की नाव है और पांचवी है हमारी संबंधों की नाव इन पांचों नावों में कहीं ना कहीं हम सब सवार होकर चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं लेकिन एक नाव उसने कहा वो हमारे अंदर भी जाती है वो है हमारी निष्कंपता की जहां भूकंप नहीं है जहां शांति है जहां हमारी मनोस्थिति बिल्कुल स्टेबल है वो पांच नावों में सवार होते हुए भी अंदर की नाव में जाना वो मेरा स्वयं का कार्य है उस मार्ग को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता उस मार्ग को मुझे स्वयं प्रकाशित करना होता है उस यात्रा पर हर व्यक्ति को अकेले ही जाना होता है दोस्तों ये बात जब उसने उस व्यक्ति को बोली और बहुत सारे लोगों ने सुनी तो उन सब की आंखें खुल गई और अगर देखा जाए तो यही हमारे जीवन का सत्य है यही हमारे जीवन का सत्य है इस भागती दौड़ती जिंदगी में व्यक्ति ने सब कुछ प्राप्त किया अगर आज आप देखेंगे उसने जीवन में भौतिकता अपने संबंधों के लिए अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए सब कुछ प्राप्त किया लेकिन सब कुछ प्राप्त करते हुए भी अंत में हम सब क्या चाहते हैं हम सब चाहते हैं कि भाई जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आए थोड़ा सा चैन आए थोड़ी सी शांति आए आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन मुझे लगता है कि जीवन मुझे सुकून चाहिए अब ये सुकून शांति प्यार और आनंद की जो नाव है दोस्तों इसका जो रास्ता है वो बाहर नहीं है ये हमारे अंदर की नाव है भूकंप हमारे जीवन को हिलाता है, अर्थात जो बिना कंपन के हो, वो हमारी है जहां हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं और यही राजयोग के अभ्यास का राजयोग का हमारे जीवन में आना ये हमारे अंदर निष्कंप स्थिति को क्रिएट करता है उसको उत्पन्न करता है और अक्सर जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो उसके लिए किसको योग लगाना है किसके साथ योग लगाना है आत्मा के बारे में बताया जाता है परमात्मा के बारे में बताया जाता है और जब लोग ये सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भाई क्या है आत्मा है परमात्मा है पूरे दिन ये सुनते रहते हैं ब्रह्मा कुमारियों को भी देखो बस यही बताते रहते हैं यही प्रश्न मेरे जीवन में भी उठते थे आपसे मैं अलग बिल्कुल भी नहीं था मेरे मन में भी यही प्रश्न बार बार उठते थे लेकिन इन प्रश्नों को उठते हुए मैंने अपने प्रश्नों को विराम नहीं लगाया मैंने ये सोचा कि भाई अगर आत्मा है और ये बार बार बोल रहे हैं तो उसकी खोज भी तो करी जाए उसको साइंटिफिक रूप से समझा भी जाए कि क्यों आत्मा है किस रूप से है क्या हमारे पास कोई एविडेंस है लोग तो नहीं कहते हम सत महाराज कह देते हैं लेकिन इसको समझना आवश्यक है और दूसरा परमात्मा है तो उसके लिए क्या एविडेंस है और यदि योग आत्मा और परमात्मा का है तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव आएगा इन सब बातों को समझना साइंटिफिक रूप से समझना जिसको हम कहते हैं द ट्रुथ अन आज उस यात्रा पर हम चलेंगे तो आज हम केवल सच और सच की बात करेंगे और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा टू बिलीव ट्रुथ यू मस्ट हियर एंड सी इट एट सेम टाइम तो आज आप सुनेंगे भी और आज, आज आप देखेंगे भी तो आप सबसे मेरा केवल एक अनुरोध रहेगा दोस्तों कि बड़ा चैन से आनंद से बैठ जाइए ऐसी यात्रा शायद मुझे नहीं लगता आपने अपने जीवन में कभी की होगी तो आज इस यात्रा में बहुत आनंद से हम चलेंगे आज आप सच ही सुनेंगे और आज, आज आप सच ही देखेंगे ताकि आपके जीवन में ये बात सजा के लिए दोस्तों रजिस्टर हो जाए लेकिन इससे पहले मैं साइंटिफिक यात्रा का आरंभ करूं मैं आपको आपकी ही जीवन की यात्रा पर थोड़े समय के लिए ले जाना वो का हमारा समय। जब ये भौतिकता नहीं थी ये सम्मान नहीं था ये हाई टेक नहीं था हमारे जीवन के अंदर केवल हमारे जीवन में हाई टच होता था दोस्तों हमारे पास समय होता था आज हमारे पास समय है लेकिन समय ना स्वयं के लिए मिलता है ना हमको अपने परिवार के लिए मिलता है उस समय हमारे पास समय होता था हम सब साथ में बैठते थे बचपन का वो समय था जब एक परिवार के अंदर लोग आपस में प्यार से जुड़े रहते थे आज आपस में हम जुड़े तो रहते हैं दोस्तों कनेक्टेड तो हम हैं लेकिन कनेक्टेड किसके द्वारा हैं प्यार के द्वारा नहीं आजकल हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कनेक्टेड हैं और उस टेक्नोलॉजी के कनेक्शन को हम समझते हैं यही हमारे जीवन का सच्चा जोड़ है दोस्तों उस समय अपने जीवन में हम लोग प्रकृति से भी कनेक्टेड रहते थे हमें याद है शाम को हम आते थे अपना बिस्ता ब, ब, जो बस्ता होता था बैग उसको साइड में रखा और क्रिकेट खेलने निकल जाते थे ना माँ को चिंता होती थी ना पिता को उन्हें पता है भाई खेलने गया हुआ है तीन घंटे खेलकर भी जब वापस आते थे तब भी वो नहीं पूछते थे, थे कि कहाँ से आ रहे उनको पता है भाई आओ नहा धोकर आ जाओ खाना साथ खाएंगे तो नेचर से भी कनेक्टेड परिवार से भी कनेक्टेड और आज ना हम नेचर से कनेक्टेड है नेचर टूर्स पर भी जाएंगे तो कभी कभी जाएंगे और परिवार के साथ तो हमको समय नहीं मिल पाता केयर उस समय एक दूसरे के लिए हम बैठते थे एक दूसरे के लिए प्यार के साथ साथ हमारा केयर का फीचर होता था, था एक दूसरे को हम प्यार से एक दूसरे की बातों को सुनते थे उनको एक्सेप्ट करते थे और आज हम लोग अपने जीवन को केवल हाई टेक बना चुके हैं हमारे पास सब कुछ होते हुए इस भौतिकता की रेस के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन को एक रेस बना लिया है एक दौड़ बना लिया है क्योंकि केवल के केवल भौतिकता की रेस के अंदर समान इकट्ठा करने की रेस में केवल मिटलिस्टिक ट्रेजर्स की रेस में कि समान इकट्ठा करना है और, और, और की इस रेस ने हमारे जीवन से हमारा सच्चा सुख और शांति हमसे दोस्तों खींच लिया है दवाइयां होती थी लेकिन आज देखो कोई ऐसी दवाइयां हैं जो हमारे मन के इमोशंस को या हमको खुश कर दे कभी कभी लोगों का फोन आता है मन बहुत दुखी है मन बहुत परेशान है लेकिन क्या ऐसी कोई दवाई आपके पास है जिसके द्वारा मेरा मन बहुत खुश हो जाए मेरे मन के अंदर आनंद आ जाए दोस्तों नहीं है ऐसी दवाई साइंस बना ही नहीं सकती क्योंकि इसका इलाज स्वयं हमारे पास है सब कुछ होते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हुए भी पूरी दुनिया से बात कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन ना ना स्वयं से से बात करने का समय है, ना परिवार से बात करने करने का का समय समय है, है। है? परिवार ये कैसा जीवन है? अपने आप से पूछिए ये कैसे जीवन में हम लोग फंस चुके हैं कि सब कुछ होते हुए भी हम उसी सुख और चैन को दोबारा ढूंढना चाहते हैं खोजना चाहते हैं दुनिया गर्म हो रही है लेकिन स्वभाव हमारा गर्म हो चुका है एक दूसरे के ऊपर चिल्ला देना और दोस्तों जिस क्रोध की अग्नि में हम अपनी वाणी के द्वारा वाणी के बाण चलाते हुए घातक जो तीर होते हैं उन बाणों को चलाते हुए दूसरों को भेदना चाहते हैं अरे सबसे पहले तो वो हमको घायल कर जाते हैं हमारे चित्त को अशांत कर जाते हैं हमारे मन को बेचैन कर जाते हैं हमारे मन को हमारी स्थिति को कमजोर कर जाते हैं ऐसा जीवन जब हम बनाते हैं ऐसी लाइफ जब हम बना लेते हैं दोस्तों तो ये बैलेंस कहाँ गया ये कहा चला गया क्या इसी जीवन की हमने परिकल्पना की थी अपने आप से पूछो। क्या यही हमारे जीवन की चाह थी आप सब कहेंगे नहीं भाई नहीं। बस बहुत हुआ आज बहुत जरूरी है कि इस खोए हुए बैलेंस को हम लोग दोबारा अपने जीवन में प्राप्त करें और ये यात्रा ये जो कॉम्प्लिकेटेड यात्रा जीवन की चल रही है दोस्तों ये यात्रा वो उन पांच नामों की बाहर की यात्रा नहीं है ये यात्रा मेरे मन की नाव अंदर की नाव यानी निष्कंपता की तरफ निष्कंप स्थिति की तरफ जो है ये वो यात्रा है दोस्तों आज पूरा जीवन हमने केवल बाहर की परिस्थितियों पर ही ध्यान दिया उन लोगों को ही बदलने की कोशिश करते रहे बाकी चीजों को ही बदलने की कोशिश करते रहे हम भूल गए कि ना लोग बदले जा सकते हैं ना परिस्थितियों को बदला जा सकता है उनको बदलने का केवल एक तरीका है कि स्वयं को परिपक्व करें जब हम स्वयं की शक्ति मनोस्थिति को मन को शक्तिशाली बनाते हैं अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और पावरफुल बनाते हैं दोस्तों तो ये तनाव बना तो बाय प्रोडक्ट की तरह इजीली डील कर सकते हैं क्योंकि जब स्वयं शक्तिशाली है तो ना बाहर की परिस्थितियों में जान है ना किसी और व्यक्ति में स्थान ये सदा ध्यान रखिए लोगों में और परिस्थितियों में जान जान नहीं होती है इसमें डालते हैं हमारी हमारी सोच विचारधारा जितनी इंपॉर्टेंस को देंगे उतनी उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और जितना आप उनको इजीली डील करेंगे दोस्तों उतना वो इजी होते चले जाएंगे तो कभी भी ये मत सोच के चलिए कि परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से जान होती है उनमें जान दोस्तों नहीं होती है तो इस कॉम्प्लिकेटेड यात्रा को सिंपल बनाने के लिए अपने मन को अपनी आत्मा को अपने ड्राइवर को अपना मित्र बनाना है और कुछ भी कार्य नहीं है आप देखिए अपने पायलट को जब हम कंट्रोल में ले लेंगे तो वो बड़ा सुंदर जैसे कहते हैं ना सर्वेंट की तरह हमारा कार्य करेगा लेकिन दोस्तों गाड़ी अगर बढ़िया है सुंदर गाड़ी है लेकिन ड्राइवर हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ना उसके संकल्प कंट्रोल में है ना उसका तरीका गाड़ी चलाने का कंट्रोल में है तो वो बार बार एक्सीडेंट मारेगा और हमारे जीवन के एक्सीडेंट किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे जीवन के एक्सीडेंट हैं कि कभी क्रोध आना कभी इरिटेशन आना कंप्लेन करना क्रिटिसिज्म करना सब कुछ होते हुए भी लोगों के प्रति घीषा घृणा की भावना आना यह है यानी हमारा मन बार बार एक्सीडेंट मार रहा है पूछो अपने से अभी अभी इसी समय कि दिन में कितनी बारी हमारा मन एक्सीडेंट कर देता है कितनी बारी हमारा मन टकराता है वो देखा है बचपन वाला गेम कि गाड़ियों में बैठते थे एक दूसरे से बचाते रहते थे ये वही गेम हम पूरे दिन खेलते रहते हैं अपने मन की गाड़ियों के द्वारा कभी किसी से टकराएंगे कभी किसी से टकराएंगे और टकराते टकराते थक जाते हैं थक जाते हैं तो फिर ढूंढते हैं उस सुकून और शांति को तो दोस्तों आज हम कहा चले है? आज हम सब रिलैक्स होकर आनंदित स्थिति में बड़े विनम्रता से बड़े चैन से अपने वीडियोस को ऑन भी कर लीजिए। जरा देखेंगे अपने बड़े परिवार को ये परिवार है हम सबका बैठेंगे जो कंफर्टेबल स्थिति में बड़े आराम से अपने वीडियो को ऑन करें और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए आपके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा पर मैं आज आपको लेकर चलूंगा जितने भी हमारे मन के प्रश्न हैं जितने भी हमारे मन के अंदर पुराने पुराने जाले लगे हैं कहीं ना कहीं कुछ मिट्टी भरी पड़ी है कि क्यों मैं मानूं अपने आपको आत्मा क्यों मैं परमात्मा को मानूं योग से मुझे जीवन में क्या फायदा होने वाला है मानव प्रकृति सदा ही सेल्फिश प्रकृति मानी गई है और उसमें कोई बुरी बात नहीं तो आज आपको परिपूर्ण करने के लिए कि मुझे इसमें क्या फायदा मिलेगा इसका क्या एविडेंस है इस अद्भुत यात्रा के अंदर मैं आपको साइंटिफिक रूप से समझाऊ बहुत लॉजिकल रूप से समझाऊंगा कि आत्मा क्यों और उसका क्या फायदा परमात्मा क्यों और उसको मानने से क्या फायदा और जब हम योग करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर दोस्तों हमको क्या फायदा मिलेगा और ये यात्रा बाहर की है नहीं ये यात्रा अंदर की यात्रा है बाहर कुछ भी नहीं तो आज आपका मोबाइल फोन बजे कभी कभी कुछ व्हाट्सएप कुछ फोन बजे कभी थोड़ा सा खाना लेट हो जाए कोई चिंता वाली बात नहीं लेकिन इस अगले एक घंटे के अंदर मुझे शांति से आनंद से इस यात्रा का फायदा उठाना है मुझे इस यात्रा पर चलना है और सबको साथ चलना है साथ चलने का ही आनंद है अकेले चलने का आनंद थोड़ी ना है साथ चलेंगे तो यात्रा का दोस्तों आनंद भी बहुत आएगा देखिए हमारे जीवन की प्रकृति को देखिए जिसको आपने समझा भी होगा ये आपका शरीर है और आपके शरीर के सब्जेक्ट्स कौन है आपका हाथ है आपका मुख है आपकी आंखें हैं आपके कान और आपकी नाक है

मैं का नहीं अर्थात कोई बैठा हुआ बोल रहा है कि ये मेरे 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 हाथ हैं अनुसार अनुसार नहीं नहीं चलते मेरी मेरे अनुसार नहीं चलती। ये सब आउट तो सब्जेक्ट हैं आपके प्यादे हैं मिनिस्टर्स आपका मन और बुद्धि है जब आपका मन ही आपके अनुसार नहीं चलता जब बुद्धि मेरे अनुसार निर्णय नहीं लेती तो दोस्तों ये सब्जेक्ट्स तो की तरह फैलाएंगे। जैसे आजकल कहते हैं ना बड़ा आराजक्ता, आराजक्ता का माहौल है क्यों? क्योंकि ऊपर का ही कंट्रोल दोस्तों समाप्त हो गया अगर हम अपने इनर किंगडम को ही नहीं पहचानेंगे हम कहेंगे नहीं हम नहीं मानते जी हम आत्मा है हम तो शरीर मानते हैं हम समझते ही नहीं कि हमारे अंदर ये है। तो जब मेजर अपने एक आप को ही हम नहीं पहचान पाते तो हमारे मिनिस्टर्स क्या करेंगे जब मिनिस्टर्स ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं दोस्तों तो सब्जेक्ट्स क्या करेगा तो आज यही इन बातों के ऊपर मैं आपको आपके इनर किंगडम की यात्रा पर लेकर चलूंगा द किंग दैट यू आर द एम्पर दैट यू आर और एक एक व्यक्ति आप जो लोग आज जुड़े हैं अपने आप को राजा के रूप में महसूस करेंगे आप जानेंगे कि यस आई एम दावर आई एम द किंग इन माई लाइफ और जो भी प्रश्न हो दोस्तों लिख बैठिएगा मुझे नहीं लगता है इसके बाद ज्यादा प्रश्न आपके बचेंगे लेकिन आज इस चीज को सदा सदा के लिए समझ कर जाइएगा इसी को कहा जाता है साइंस और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस यानी उनका समावेश यानी उनका एक एमलगमेशन ये बहुत सुंदर है ये बहुत आवश्यक है तभी कहा जाता है साइंस इज ब्लाइंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज लेम विदाउट साइंस यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अगर स्पिरिचुअलिटी में साइंस नहीं है तो वो बेकार है और साइंस के अंदर यदि अध्यात्म नहीं है तो उसका कोई भी पर्पज नहीं है वो साइंस डिस्ट्रक्टिव बन जाती है जैसे आज साइंस हमको डिस्ट्रॉय कर रही है जिसका रचना हमने स्वयं अपने जीवन के अंदर की है तो आज इस साइंस को हम लोग दोस्तों समझेंगे 1992 मुझे याद है मेरा मेडिकल स्कूल जब करीब अपने मेडिकल स्कूल से पास होने के बाद कुछ ही वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष पहले मैं अपने मेडिकल स्कूल में गया था करीब सत्ताईस वर्ष बाद ये तभी की पिक्चर है और दोस्तों जिस टेबल की तरफ हाथ है वही मेरी डिसेक्शन टेबल होती थी बिल्कुल वही रूप है वही चीजें हैं और उस समय जब मैं घुसा तो मुझे वो पुरानी चीजें में आ गई कि कि कैसे कैसे हम हम लोग लोग बॉडी बॉडी को को डिसेक्ट करते थे थे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स निकालते थे कि ये हार्ट है ये लंग है और करीब दस बारह लोग एक टेबल पर होते थे डिसेक्शन बॉडी पड़ी होती थी अपने नाइफ लेकर हम लोग उसको काटते रहते थे और ये हमारे डिपार्टमेंट का एनाटमी डिसेक्शन हॉल है बिल्कुल वैसा ही रूप है कुछ नहीं पता केवल बदला है तो केवल सोच और हमारी मानसिकता दोस्तों बदल चुकी है तो उस समय मुझे याद है मैं अपने प्रोफेसर जो अनेटमी के होते थे प्रोफेसर सेन गुप्ता उनके पास मैं बार बार जाता था और मैं एक प्रश्न पूछता था और आप लोग भी उस प्रश्न को जरूर पूछ सकते हैं मैं बोलता था सर मैं बॉडी को काट रहा हूं इस बॉडी की जब ऑटोप्सी रिपोर्ट को पढ़ता हूं तो वो बताते हैं कि इस व्यक्ति की नेचुरल डेथ हुई है कोई कारण नहीं केवल नेचुरल डेथ है सर इसका हाथ है लेकिन ये हाथ हिल नहीं रहा इसका दिल है सब ठीक इसके अंदर लगता है इसका ठीक है लेकिन ये दिल धड़क नहीं रहा मैं उनसे पूछता था सर इसकी आंखें भी हैं लेकिन ये आंखें देख क्यों नहीं रही मैं उनसे कहता था कि सर इसके लंग्स हैं फेफड़े हैं लेकिन ये सांस नहीं ले रहा ऐसा क्या है? इसके अंदर नहीं है जो इसको

लेकिन ये खोज की अगर आत्मा के बारे में सुनता हूं तो इसके अंदर क्या चीज नहीं है वो कहते थे प्राण नहीं है मैं जानता था आत्मा नहीं है लेकिन उस खोज ने मुझे पढ़ने पर मजबूर किया मुझे बार बार कहा कि तुझे इसका उत्तर तो प्राप्त करना ही पड़ेगा अगर नहीं प्राप्त कर पाया तो फिर इस अध्यात्म के मार्ग पर चलने का क्या फायदा है इस अध्यात्मिक मार्ग पर चलने का क्या फायदा और वहीं से एक यंग बच्चे की एक यंग नवयुवक की उस यात्रा का आरंभ हुआ और दोस्तों तब मैंने इसको कोरलेट किया मेडिकल साइंस में मैं आपको बताऊंगा चाहे आप डॉक्टर नहीं भी हो या आप ज्यादा ना भी पढ़े हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं लेकिन बॉडी यानी, हम यानी हमारे शरीर के अंदर क्या क्या अंग होते हैं इसी के साथ साथ वो अंग किस तरह कार्य करते हैं आपस में किन केमिकल्स के द्वारा किन प्रोसेसेस के द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं ये प्रणालियां क्या होती है ये संचार सिस्टम क्या होता है जैसे कहते ना जैसे रेडियो की तरह तार जुड़ी होती है इसी तरह हमारे शरीर के अंदर कैसे ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ये फिजियोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी होती थी लेकिन एक बात मुझे तब समझ में आ चुकी थी बिल्कुल क्लियर था कि ये मेडिकल स्कूल की जो पढ़ाई है ये ट्यूबुलर विजन है ये एक कैमरे एक बायनोकुलर की तरह हम देख रहे हैं क्योंकि वो केवल शरीर दिखा रही है प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पाता था बड़े से बड़े वैज्ञानिक विज्या, और बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं दे पाते थे वो कहते थे नहीं हमें शरीर की बीमारियों को पढ़ना है शरीर का इलाज करना है शरीर को ठीक कर देना है लेकिन मेरा मन ये नहीं मानता था मेरा मन जानता था कि शरीर के अंदर भी कोई शक्ति है जो इसको चला रही है जो इसका भी कंट्रोलर है तभी एक लिविंग बॉडी से डेड बॉडी दोस्तों बन जाती है मैं पूछता था कि भैया हम इलाज किसका कर रहे हैं हम ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं तो क्या हम ह्यूमन का इलाज कर रहे हैं या बींग का इलाज कर रहे हैं कहते हैं ना ह्यूमन बींग्स पूछिए हम अपने ह्यूमस यानी बॉडी और बींग कौन है उसका प्रश्न हमारे उसका उत्तर हमको कोई नहीं देता था तो हम सोचते रह जाते थे कि हम केवल एक फिजिकल बॉडी है ये हमारी साइंस की लिमिटेशन थी क्योंकि साइंस उस समय अध्यात्म से ब्लेंड नहीं कर पा रही थी यानी चाह रही थी लेकिन कोई साइंटिस्ट उसको लिंक नहीं कर पा रहा यहीं से यह बात समझ में आई कि अगर हम अपना यथार्थ परिचय चाहते हैं तो ह्यूमन प्लस बींग दोनों को कनेक्ट करना बहुत आवश्यक है आज 95 परसेंट लोग जो हैं केवल ह्यूमन की बात करते हैं यानी बॉडी की बात करते हैं और जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो केवल आत्मा की बात करते हैं लेकिन दोस्तों एक यथार्थ अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है वो ह्यूमन बीइंग की बात करती है वो होलिस्टिक अप्रोच लेती है यानी शरीर और आत्मा का जो समावेश है जो मिलन है कि आत्मा उस शरीर को चला रही है आत्मा को सोल कह सकते हैं साइकी कह सकते हैं स्पिरिट कुछ भी कह सकते हैं हैं ये ये साइंस जो होती है एमलगमेशन कहते है। तो वॉट इज दी ऑफ बी प्रश्न उठता था कि ठीक है ये तो बात समझ में आई कि भाई जैसे गाड़ी चलती है गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठता है इसी तरह इस शरीर के अंदर भी कोई वायु है कोई प्राण है हम उसको नाम नहीं देंगे वो वायु वो प्राण वो क्या चीज है वो एंटिटी क्या है जो इस शरीर को चला रही है उसका एविडेंस हमारे पास क्या है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज द एनाटमी ऑफ बी जिसको साइंस कॉन्शियसनेस के नाम से जानता है जिसको साइंस कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर सोल के नाम से जानता है स्पिरिट के नाम से जानता है बींग के नाम से जानता है साइकी के नाम से जानता है या गॉड स्पॉट के नाम से भी जानता है कुछ भी नाम आप उसको दे सकते हैं उस नाम के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे हम केवल उसको एक क्वेरी मार्क लेकर दोस्तों चलते हैं तो छह प्रकार की एविडेंस आज हमारे पास आती है अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को छह प्रकार की एविडेंस कौन सी एक तो है लॉजिक के द्वारा यानी एक आम व्यक्ति समझ के द्वारा उस चीज को समझ सकता है दूसरा दोस्तों एविडेंस आती है हमारे पास स्टोरीज ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ऐसी मजेदार कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा जैसे मैं उसको पढ़ रहा था ऐसे आपके भी रोटे खड़े हो जाएंगे आपके आप भी कहेंगे वाह क्या मजेदार कहानियां ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं सब अखबारों के अंदर मैगजीन के अंदर बुक के अंदर पब्लिश है तीसरी एविडेंस हमारे पास आती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टोरीज

कुछ कुछ मजेदार खट्टी मीठी बातें करते हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं और इस यात्रा का आरंभ करते हैं सबसे पहले हमारे पास आती है, वो है के द्वारा। कोई भी गाड़ी हो सकती है आपके पास होना हो सकती है कोई आपकी गाड़ी है, लेकिन दोस्तों गाड़ी कोई भी हो लेकिन गाड़ी की ब्यूटी कब आती है जब उसके अंदर ड्राइवर बैठता है ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी का क्या काम चलाने वाला ही नहीं है चालक ही नहीं है तो गाड़ी तो बेचारी बेजान पुरानी है ना उसका हॉर्न बजेगा ना उसका म्यूजिक सिस्टम बजेगा जैसे ही ड्राइवर उसके अंदर बैठेगा और उसको सकुशल चलाएगा वो गाड़ी जीवंत हो होती है इसी प्रकार दोस्तों ये जो गाड़ी है हमारा शरीर है इस शरीर का क्या काम जब तक इसके अंदर चालक ना हो जब तक इसके अंदर ड्राइवर ना बैठा हुआ हो समझ में तो आती है ना ये बात कि भाई अगर हमारी अस्तित्व जो है वो शरीर होता तो आज हम परमात्मा को परम आत्मा ना कहते हुए परम शरीर कहते क्या गलत है इसके अंदर क्यों अंदर क्यों शास्त्रों के हर जगह परमात्मा को परम आत्मा कहा गया है परम शरीर नहीं कहा गया है क्यों हर जगह संज्ञाएं आत्मा को दी जाती है महान आत्मा महान शरीर नहीं पुण्य आत्मा पुण्य शरीर नहीं पाप आत्मा पाप शरीर नहीं देव आत्मा देव शरीर नहीं परम आत्मा परम शरीर नहीं तो ये कहीं ना कहीं तो सेंस कहता है कि भाई संज्ञाएं आत्मा को दो शरीर को मत दो इसी प्रकार से जब हम बॉडी को डिसेक्ट करते थे तो मैं हमेशा यही पूछता रहता था कि बॉडी तो है लेकिन आज इसके अंदर से एक एंटिटी नहीं है जिसको अगेन हम एनर्जी का नाम दे सकते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं तो आप सब मानेंगे कि हाँ कोई शक्ति है कन्विंसिंग नहीं है लेकिन हाँ कोई शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है इस शरीर को चलाती है इस शरीर के अंदर प्राण फूकती है इस शरीर के अंदर बैठे बैठे कहती है मैं अपनी आंखों के द्वारा देख रहा हूँ कोई अंदर बैठा हुआ है वर्ड को देखिए सेंटेंस को आप सभी लोग रिपीट करिए अभी रिपीट करिए मेरे साथ दोस्तों मैं अपनी आंखों के द्वारा देख रहा हूं यानी आप ही के अंदर कोई बैठा बोल रहा है कि मैं ये आंखें मेरी हैं मैं उसके द्वारा देख रहा हूं आप ही के अंदर कोई बैठा हुआ बोल रहा है कि ये हाथ मेरे हैं इन हाथों के द्वारा मैं कार्य कर रहा हूं।, इन कानों के द्वारा मैं सुन रहा हूं मैं अपने मुख के द्वारा बैठा है तो ये पहला इनडायरेक्ट एविडेंस हमारे पास है कि हाँ कोई एंटिटी हमारे पास है और ये कहती है कि देर इज अनर्जी इन साइड जो हमारे शरीर को चला रही है ये तो हम लोग लॉजिकली समझ सकते हैं और मैं नहीं समझता कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है आपको कहीं पर भी तंग करेगा कहीं पर भी आपको किसी प्रकार से बेचैन करेगा इसके बाद हमारे पास एविडेंस आती है जो हल्के एविडेंसेज में लूंगा वो है डॉक्टर आयन स्टीवनसन डॉक्टर आयन स्टीवनसन ने रीइंकार्नेशन की थ्योरीज पढ़ी और उन्होंने देखा कि कई बच्चों के अंदर बर्थ मार्क्स होते हैं जैसे मेरे को भी बर्थ मार्क्स हैं इसी प्रकार कहीं ना कहीं कोई कोई स्कार होगा कोई तिल होगा कोई मोल होगा ऐसे -से प्रकार के मार्क्स होते हैं और इन्होंने जब इसको साइंटिफिकली स्टडी स्टडी किया किया बर्थ डिफेक्ट्स को उन्होंने इसको सिग्निफिकेंट रूप से एक एंड बायोलॉजी के बुक में संकलित किया और संकलित करके एक प्रोफेसर है साइकेट्री के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में इन्होंने कहा कि पैंतीस जो वो बच्चे जो अपने पुराने जन्मों को याद करते हैं जिनको अपने पुराने जन्मों का कुछ संस्मरण रहता है जो मैं आज आपके सामने आगे रखूंगा उनके पास हर एक सौ में से तिह, एक तिहाई बच्चे को तीसरे बच्चे को बर्थ मार्क्स और बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं ऐसे 210 बच्चे इन्वेस्टिगेटेड हैं, अर्थात ये क्या शो करता है कि उस बच्चे को अपना पूर्व जन्म ध्यान है पूर्व जन्म ध्यान है वो उसको स्मरण में रहता है और इस जन्म में हर तीसरे बच्चे को बर्थ मार्क आता है तो ये दो बातें शो करता है कि यानी मानव योनि की जो आत्मा है जो एंटिटी है वो पिछले जन्म को तभी याद कर सकती है जब वो अगले जन्म में भी मनुष्य योनि के अंदर ही जा रही है ये क्लियरली इस फैक्ट को समाप्त कर देता है कि मनुष्य योनि हमको चौरासी लाख योनियों के बाद मिलती है बिल्कुल गलत है अरे भाई आम का बीज बोगे तो उसमें से आम ही तो निकलेगा तरबूज थोड़ी ना निकलाएगा इसी प्रकार जब मानव योनि जन्म लेती है और उसको पुराना जन्म ध्यान में रहता है एक इनडायरेक्ट एविडेंस हमको मिलती है जो कहती है कि मानव योनि दोबारा मानव जन्म लेती है पुराने इंसिडेंट्स को ध्यान रखती है और करीब एक तिहाई बच्चों को स्कार मार्क्स या बर्थ डिफेक्ट आ सकते हैं इसका बहुत सुंदर बुक उन्होंने लिखा है चिल्ड्रेन हुबर देयर प्रीवियस लाइफ द क्वेश्चन ऑफ री इंकारनेशन बाय डॉक्टर आय क्लियरली शो करता है साइंस के द्वारा एक्सपेरिमेंट है कि बच्चों ने कितने सुंदर रूप से अपने पुराने जीवन को रिमेंबर किया सो री इंकारेशन एज फार एज आई थिंक इट डज नॉट नलिफाइड द क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स इन्होंने बहुत सुंदर रूप से कहा कि ये दोनों बायोलॉजिकल थ्योरी को यानी शारीरिक और पर्सनल थ्योरी को दोनों को यह इंटरेक्ट करके जोड़ती है यानी हमारे साइंस को और स्पिरिचुअलिटी के अमेलगमेशन के लिए एक बहुत सुंदर जो पावरफुल थ्योरी है वो है हमारी थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन जिसके अंदर बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं पावरफुल रोल दोस्तों प्ले करते हैं तो ये हमारे पास अगेन एविडेंस आती है कि मानव जन्म जो है वो मानव योनि के अंदर ही आत्मा जन्म लेगी और दूसरा अगर हमको कुछ पुरानी जीवन के संस्मरण रहते हैं कोई पुरानी अच्छी या बुरी मेमोरीज हम लेकर आते हैं हैं तो चांसेस है 35 हमको कोई ना कोई बर्थ मार्क या बर्थ डिफेक्ट हमारे जीवन में हो सकता है दोस्तों दूसरी प्रॉपर एविडेंस क्या आती है आप सुनिए मजेदार कहानी आपको सुनाऊंगा इंसिडेंस ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ ये शो करती है एग्जिस्टेंस ऑफ सोल अब देखिए ऐसी मजेदार बातें जो आपने like है, एक साइकेट्रिस्ट है और इन्होंने लोगों के अनयूजल बच्चों के अनयूजल बिहेवियर जो बच्चे पुराने जन्म की अजीब अजीब सी बातें करते थे कि मैं पिछले जन्म में ऐसा था मैं ऐसे जन्म ये कार्य करता था मेरी माँ इस तरह से करती थी मुझे वहां जाना है मुझे उस व्यक्ति से मिलना है मेरे को ये चीजें पसंद नहीं आती तो बच्चे जो छोटे छोटे जो एक आम बच्चा बात नहीं करेगा जब बच्चे ऐसी बातें करते थे तो उनके माँ बाप उनको इन डॉक्टर के पास लेकर आते थे शुरू में तो ये बातें इनको इग्नोर की जाती थी लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उन बातों को समझना आरंभ किया और उन्होंने कहा इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है कि ये बच्चा बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहा है और इन्होंने ऐसे बच्चों की एक से दो से तीन से ऐसे कई हजारों बच्चों की स्टोरीज को इन्वेस्टिगेट कर डाला उनके बिहेवियर्स के लिए और 2005 में एक किताब लिख डाली जिसको कहते हैं लाइफ लाइफ बिफोर जीवन से पहले जीवन यानी बच्चों की मेमोरीज प्रीवियस लाइफ की उन्होंने उसका संकलन किया इनमें से दो कहानियां मैं आपके सामने रखूंगा ये बच्चा जो आप देख रहे हैं अपनी माँ के साथ छोटा सा बच्चा इसका नाम है सैम टेगर तो अमेरिका के टाउन वर्मोंट के अंदर रहता था और उसके छोटे की पिक्चर आप देख रहे हैं अपनी माँ के साथ वो बैठा हुआ है अब माँ जब उसके बच्चे अपने बच्चे का डायपर बदलती थी अब ध्यान से सुनिए वो क्या करता था जब माँ अपने बच्चे का सैम का डायपर बदलती थी तो बच्चा छोटा सा बच्चा अपनी माँ को कहता था कि माँ जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं तुम्हारे डायपर बदला करता था उसकी मां हैरान हो जाती थी कि ये छोटा बच्चा क्या बात कर रहा है एक बारी इग्नोर किया दो बारी इग्नोर किया लेकिन फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया और उन्होंने देखा उस, देखा उस साइंटिस्ट ने कि वो बच्चा करीब 20 लोगों की फोटो में से इस जन्म में उसने कुछ नहीं देखा था लेकिन 20 लोगों की फोटोज में से अपने ग्रैंडफादर की फोटो को क्लियरली पिकअप कर लेता था यानी अपने माँ के पिता की फोटो को क्लियरली पिकअप कर लेता था ना केवल ये वो उनके हर सामान से अपने आप को रिलेट कर पाता था उनसे वो, वो, तो वो बार बार करता था तो इससे ये क्लियरली उन्होंने, उन्होंने देखा कि ये बच्चा सैम टेलर जो है ये अट्ठारह महीने बाद अपने ग्रैंड की डेथ के बाद इसका जन्म हुआ और ये क्लियरली शो करता है कि अगर ये बच्चा उनके सारे संस्कार उनकी सारी चीजों को इतना विविडली याद कर रहा है इतनी छोटी सी उम्र के अंदर उसको सब चीजें तो हुई बहुत क्लोज आत्मा रही है उन्होंने कंक्लूड किया कोई डेफिनेटिव नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग सजेशन था अगेन ये दो बातें प्रूव करती है कि इस शरीर के अंदर कोई एंटिटी है शरीर तो जला दिया जाता है दफना दिया जाता है लेकिन कोई एंटिटी अंदर है जो दोबारा जन्म ले रही है वो मर ही नहीं मरती नहीं है वो जीवंत रहती है वो विनाश को प्राप्त नहीं हो सकती वो दोबारा जन्म लेती है और दूसरा मनुष्य की योनि दोबारा मनुष्य में ही जन्म ले रही है दो फैक्ट क्लियरली साइंस हमको प्रूव करके इनडायरेक्टली दे, दे देता है तो ये बच्चा इस प्रकार की हरकतें करता था जिसको डॉक्टर जेम्स वेडकर ने इन्वेस्टिगेट किया ऐसी एक और स्टोरी आपको सुनाता हूँ ये छोटा सा बच्चा रायन ये रायन बच्चा जो है ये न्यूयॉर्क के अंदर पैदा हुआ जब ये चार साल का था ध्यान से सुनिए चार साल का था इसको अजीब अजीब से सपने आते रहते थे और ये पांच साल का जब हुआ तो पांच साल से अपनी माँ को बोलने लगा कि मैं तो कोई और था मैं ये नहीं हूं जो आप मुझे देख रही है मैं तो म्यूजिक प्ले करता था मैं तो डांस करता था मैं तो हॉलीवुड के अंदर कार्य करता था मैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके से प्लेस के अंदर पार्टिसिपेट करता था तो ऐसी ऐसी बातों को जब सुना तो वो सारे उसके संस्मरण को डॉक्टर टकर ने लिख के रखा और उन बातों को इन्वेस्टिगेट करते करते वो लोग सब हॉलीवुड पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि उसकी डेथ से केवल एक एक व्यक्ति एक साल बाद वहां पर एक एक्टर होता था जिसका नाम था मार्टी मार्टिन मार्टी मार्टिन ये बच्चा उस व्यक्ति के बारे में बार, बार बार बात करता था जिस तरीके से वो डांस करता था ब्रॉडवे प्लेस के अंदर वो बहुत अच्छा डांसर था उसी प्रकार से ये बच्चा भी डांस करता था जो उसका जीवन था वही संस्कार एग्जैक्टली इस बच्चे के जीवन के अंदर भी थे और किस प्रकार से प्लेस किस हीरोइन के साथ कैसे एक्ट करना सब चीजें इस बच्चे को बिल्कुल विविडली ध्यान रहती थी और उसको एज सच वो रिप्रोड्यूस कर देता था तो उन्होंने कंक्लूड किया कि कहीं ना कहीं ये बच्चा जो है ये उसकी डेथ के करीब बारह महीने बाद पैदा हुआ है ये वही सोल, ये वही आत्मा दोबारा उस रूप में जन्म ले रही है तो दोस्तों ये दो बातें ऐसे कई छे आठ एक्सपेरिमेंट अभी मेरे पास है लेकिन ये दो मजेदार एक्सपेरिमेंट मैंने आपको सुनाई सुनाई जो शो करती है। दीज आर री एक है कि बच्चों की पिछले जन्म की मेमोरीज को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि कैसे हम मान लेते हैं कि यस आत्मा है कहीं ना कोई इस शरीर के अंदर शरीर समाप्त हो जाएगा शरीर डेथ हो जाएगा उसको जला दिया जाएगा दफना दिया जाएगा लेकिन वो हमारा सत्य नहीं है दोस्तों सत्य है इसके अंदर रहने वाली कोई शक्ति जो दोबारा जन्म लेगी और फिर इस जन्म के अंदर अपने पार्ट को बजाएगी और इसे किताब का रूप उन्होंने दिया डॉक्टर जेमी टकर ने लाइफ बिफोर लाइफ के रूप में तो कितनी मजेदार कहानी है और मुझे भी बहुत आनंद आया और इससे प्रूव हुआ कि भाई जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ आत्मा की बात मैं कर रहा हूँ कुछ तो सेंस बन रहा है अगर ये हमको बताते हैं ब्रह्मा कुमारी अंदर कि भाई आत्मा है तो उसका लॉजिक भी साथ में आ रहा है उभर कर आ रहा है क्लियर पिक्चर नहीं आई है लेकिन धीरे धीरे उभर कर आ रहा है फिर दोस्तों तीसरी एविडेंस आती है तीसरी एविडेंस ने मिस्ट्री को कंप्लीटली अनफोल्ड कर दिया वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन अर्थात कई बार जो एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि लोगों को पास्ट लाइफ के अंदर ले जाकर ध्यान रखिए पास्ट लाइफ अर्थात पूर्व जन्म के अंदर ले जा रहे हैं अगेन ये इस चीज को क्लियरली स्मैश कर देता है कि मानव जन्म चौरासी लाख योनियों के बाद बचेगा सतवचन वचन महाराजा जिसने जो बोला हमने कहा जी ऐसा ही होता है अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है पास्ट लाइफ में तब तो आप तभी जाओगे ना जब पिछला जन्म भी आपका मानव जन्म था तभी तो आप उसमें जा सकते हैं वरना कैसे जा सकते हैं तो ये शो करता है कि पिछले जन्म में भी हमारा मानव शरीर था पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमारे जीवन के मिस्ट्रीज को अनफोल्ड कर देता है ये हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट साइकियाट्रिस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जिनका नाम है डॉ ब्रायन पीस फैंटास्टिक पर्सन ये सबसे ज्यादा अगेंस्ट थे इन थ्योरीज के कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता पास लाइफ कुछ नहीं होती लोगों ने इनको बहुत बातें बताई कि इस तरीके से होता है आप मानिए ये उन चीजों को इग्नोर कर देते थे लेकिन इनकी पहली पेशेंट कैथरीन जिसकी फोटो आप देख रहे हैं बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी अब ये नाइनटीन में इनकी पहली पेशेंट आई कैथरीन कैथरीन ने इनके साथ बैठकर अजीब अजीब सी बातें पास लाइफ एक्सपीरियंसेस इन्होंने इनसे डिस्कस किए क्योंकि हिप्नोथेपिस्ट थे

और रिकॉर्ड लेकर इन्होंने पाया कि कैथरीन की कही हुई एक एक बात 99.9 नहीं 100 100 परसेंट बिल्कुल सत्य थी ये एकदम हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने पुराने जन्मों में की बातों को बिल्कुल एग्जैक्टली exactly रिप्रोड्यूस कर रहा है इन्होंने इसके बाद जितने भी लोग इनके पास आए उनको रिग्रेस करके 400 से भी ज्यादा लोगों को रिग्रेस किया और रिग्रेस करके इन्होंने बहुत सुंदर किताब किताब लिखी जो पढ़ने लायक है दोनों के जीवन को बदल दिया कैथरीन के जीवन को भी बदल दिया और डॉक्टर ब्रायनवीज के जीवन को भी एक नया दिशा निर्देश दिया इन्होंने इस बुक के अंदर बहुत सुंदर रूप से कंक्लूड किया उन्होंने कहा कि हमारे पुराने फोबिया देखिए कभी आप देखते हैं इसका मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ कभी आप देखते हैं टेलीविजन को खोलेंगे न्यूज को चैनल को खोलेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि भाई ये बच्चा तो पैदाइशी जीनियस है इसने दस साल की उम्र में आई क्लियर कर लिया या कई बच्चों को दिखाएंगे कि वो लोग बिल्कुल ही चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया है कई बच्चों को हम देखेंगे कि कई बच्चे स्विमिंग या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दो दो चार चार पांच साल की उम्र में बहुत अच्छे बजाते हैं या आजकल के बच्चों को अगर हम हर फैमिली में देखें तो आप अपनी आठ या दस साल की उम्र में मोबाइल या मोबाइल को पकड़ना भी नहीं जानते थे आजकल के बच्चों को आप मोबाइल पहली बार भी देंगे वो आपके सामने सब कुछ खोलकर यूट्यूब या कोई भी चीज है उसको खोलकर आपके सामने रख देंगे दोस्तों ये कब हो सकता है जब हमारे पुराने संस्कार हमारी आत्मा कैरी कर रही है डर यानी अगर किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता है किसी को स्पीड से डर लगता है ये फोबियाज होते हैं ये भी फोबियाज और दर्द जो है हमारे आत्मा के अंदर हमारे एक्सपीरियंसेस के अंदर डीप रूटेड है उसके अंदर जड़े हुए हैं ये शो करता है ये शो करता है कि संस्कार बिहेवियर्स आदतें ये हमारा शरीर नहीं हमारे अंदर के अंदर बैठी हुई कोई एंटिटी है नाम अभी भी नहीं देंगे

उनको शक्ति देते हैं तो ये हमारे ऊपर क्यूरेटिव इफेक्ट ला सकते हैं हमारे फोबियास को हटा सकते हैं हमारे डर को हटा सकते हैं और यही नहीं हमारे दर्द जो फिजिकल एलिमेंट्स है उनको भी हटा सकते हैं कई लोग जो बार बार कहेंगे मुझे पीछे दर्द रहता है मेरे को पाँव में दर्द रहता है मेरे को सर में दर्द रहता है यह भी अक्सर देखा गया है पुराने जन्मों के एलिमेंट्स को और फोबियास को हम लोग कैरी करते हैं तो दीज आर दी लाइक मैसेजेस विच आर बींग रिसीव फ्रॉम दी मास्टर्स सुपर सोल्स Evolved souls or what we call as the God or the God Almighty तो confirm confirm करता है कि हमारे अंदर एक eternal entity है एक eternal entity है आत्मा कहें लाइट कहें, सोल कहें, कॉन्शियसनेस कहें, एनर्जी कहें, कुछ भी नाम दे ले जो मरती नहीं है जो अजर अमर अविनाशी है केवल शरीर मरता है लेकिन वो आत्मा ही हमारे संस्कार लेकर जाती है हमारी हैबिट्स लेकर जाती है हमारे अंदर के जो इम्प्रेशन है उसको लेकर जाती है तो जब हम बोलते हैं ना भाई खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है नहीं हम भरे हुए रिकॉर्डिंग्स लेकर आए थे और इस जन्मों के कर्मों के रिकॉर्डिंग्स अच्छे और बुरे जो भी हम भरेंगे उसकी रिकॉर्डिंग्स लेकर हम अपने साथ जाएंगे और आगे मैनिफेस्ट करेंगे उसको चेंज करने की भी शक्ति हमारे पास है जो राज्यों का मेडिटेशन हमको सिखाता है ये अब फिर अगला प्रश्न उठता है कि क्या सोल कोई और फॉर्म ले सकती है नेचुरली इन सब एविडेंसेस के बाद मैं तो आपको क्लियरली ये बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस अनइंटर परमात्मा ने सिलेक्टिव रोल बनाया हो कि भाई ये मनुष्य की आत्मा है अगले जन्म में ये कीड़ा बनेगा उसके अगले जन्म में ये मछली बनेगा उसके अगले जन्म में ये डॉग बनेगा या उसके अगले जन्म में ये प्लांट बनेगा ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भरी हुई है जिसका जो हार्डवेयर डिजाइनड है वो उसी रूप से हार्डवेयर के रूप में दोस्तों बाहर निकल कर आएगा हमारे साइंटिफिक एविडेंसेस हमारी पास हमारी स्टोरीज ये क्लियरली प्रूव करती हैं कि शक्ति हमारी जो एंटिटी है वो हमारी आत्मा है जो सदा उसी प्रकार से दोस्तों रहती है अब अगला प्रश्न उठता है कि भाई अगर हमारी आत्मा है तो कैन वी हील अवर इमोशनल सेल्फ विदाउट फिजिकल इंटरवेंशन यानी अगर मेरे जीवन के अंदर दुख रहता है, परेशानी रहती है कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई चीज परेशान बार बार करती है तो क्या मैं अपने आप को हील कर सकता हूं विदाउट बॉडी को टच किए हुए आंसर इज यस 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 नोट कर लीजिए इस चीज को शक्ति आपके अंदर है जब जानकारी मिली जब समझ मिली तो उसके साथ क्लैरिटी से हमको समझ में आ जाता है कि ये पॉसिबल है क्योंकि तो जब मैं अपनी इमोशनल सेल्फ अपनी आत्मा को अपनी एंटिटी को समझ लेता हूं तो नेचुरली उसके संस्कारों को भी मैं समझ पाता हूं कि भाई मेरा स्व का भाव है जो मेरी आदत जिसको मैं टर्म करता हूं वो आदत शरीर की नहीं है वो मेरी आत्मा के अंदर डीप रूटेड है और उस आत्मा की आदत को यानी उसके संस्कार को परिवर्तन करने के लिए एक नया संस्कार देना पड़ेगा एक नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसके अंदर डालना पड़ेगा कि मैं ऐसी नहीं हूं मेरा ओरिजिनल स्वरूप इस प्रकार का है तो पुरानी प्रोग्रामिंग हट जाएगी और नई प्रोग्रामिंग आ जाएगी। वो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसिस एंड नियर एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंसिसंसिस इन एक्सपीरियंसिस और एविडेंसिस को आप समझिएगा और ये एविडेंसेस जो हैं, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स और के जो आप देखेंगे जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी परमात्मा को, को माना ही नहीं फिलोसफर थे एक साइकेट्रिस्ट और ये एक बड़े साइकेट्रिस्ट से मिले जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज रिची तो ये फिलोसफर जो थे इन्होंने डॉक्टर जॉर्ज जी के साथ जो इनके फ्रेंड थे उनके साथ इंटरेक्ट किया तो उन्होंने डॉक्टर जॉर्ज रिची ने इनको बताया एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें वो अपने जीवन के अंदर जब वो नियरली डेथ थे वो अपनी आफ्टर लाइफ यानी करीब नौ मिनट के लिए वो खो गए कि एट द एज ऑफ ट्वेंटी की वो उनका जीवन इस मरने के बाद किस प्रकार का जीवन है किस प्रकार से वो उस एंटिटी के अंदर अपने आप को देख रहे थे डिटैच होकर कि उनके शरीर के ऊपर क्या क्या किया जा रहा है और इस शरीर से डिटैच होकर उन्होंने रियलाइज किया कि आत्मा जब इस शरीर से हट जाती है तो वो कितनी फ्री है उसके अंदर लैंग्वेज जो है वो केवल केवल प्यार की है। के की लैंग्वेज लैंग्वेज है है अंडरस्टैंडिंग और केवल साइलेंस की लैंग्वेज है ऐसे एक्सपीरियंसेस उन्होंने डॉक्टर रेमन मूडी को डिस्क्राइब किए और ध्यान रखिए वो खुद साइकेट्रिस्ट थे एक पहुंचे हुए अच्छे रिनोम साइकेट्रिस्ट थे उस डॉक्टर्स के होते हुए भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्टर रेमन मूडी के सामने रखा शुरू में तो उन्होंने इस बात को माना नहीं कि भाई ये क्या बात है जब आप मर गए तो मर गए आपकी कोई एंटिटी है या नहीं है वो तो कहीं चली गई लेकिन बार बार जब कन्विंसिंगली उन्होंने बताया और ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट्स डॉक्टर मूडी के सामने आए तो डॉक्टर रेमंड मूडी ने लाइफ आफ्टर लाइफ एक बहुत सुंदर किताब लिखी जिसमें उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को समराइज किया यानी वो लोग जो ऑलमोस्ट डेथ बेड पर है उनके जीवन के अंदर किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस उन्हें होते हैं जैसे जस्ट ऑलमोस्ट डेथ होने वाली है ऐसे समय पर वो शरीर को छोड़कर उनकी आत्मा लिब्रेट हो जाती है और डिटैच होकर शरीर को देख रही है कि क्या-क्या उनके बॉडी के ऊपर किया जा रहा है तो ऐसे एक्सपीरियंसेस उन्होंने उनको समराइज किया और उन्होंने कहा आई डोंट माइंड सेइंग दैट आफ्टर टॉकिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक या दो लोगों को नहीं थाउजेंड्स ऑफ पीपल इट गिव्स मी ग्रेट कॉन्फिडेंस दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ अर्थात मुझे बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं इतने हजारों लोगों से बात करने के बाद कि मरने के बाद भी हमारी आत्मा जो है हमारी जो एंटिटी है वो सदा जीवित रहती है और अपने साथ एक्सपीरियंसेस को क्रिएट कर सकती है बॉडी उसके एक्सपीरियंसेस को दोस्तों लिमिट करती है तो ये चार मैसेजेस जो उन्होंने दिए उन्होंने बहुत सुंदर मैसेजेस दिए वो थे फीलिंग ऑफ बींग आउटसाइड वन बॉडी नियर एंड ऑफ लाइफ में क्या होता है यानी बॉडी के बाहर हमारी फीलिंग आपकी महसूस था यानी आत्मा शरीर से बाहर आकर शरीर को और उसकी सराउंडिंग्स को महसूस कर रही है एनकाउंटरिंग अ ब्राइट लाइट उन्होंने देखा कि कोई बहुत पावरफुल शाइनिंग लाइट थी जो उनकी आत्मा को शक्ति दे रही थी उनकी आत्मा को एनर्जी दे रही थी तीसरा उन्होंने देखा उनकी आत्मा एक बहुत पावरफुल <coughs> टनल के द्वारा यात्रा कर रही थी और उस टनल में यात्रा करते हुए वो एक बहुत पावरफुल लाइट से जाकर मिलती है दैट वॉज अ सेंसेशन जो नियर डेथ एक्सपीरियंसिस में उन्होंने अनुभव किए और लास्ट जो उन्होंने एक्सपीरियंसिस किए नियर डेथ में ऐसे रिलेटिव को जो कि जिनकी डेथ हो चुकी थी उनको भी उन्होंने आफ्टर लाइफ के अंदर देखा और उनके एक्सपीरियंसिस को भी उन्होंने विजुलाइज किया तो ये क्लियरली शो करता है कि शरीर तो है लेकिन शरीर से अलग रहकर भी आत्मा सरवाइव कर सकत सकती है आत्मा रह सकती है और शरीर केवल आत्मा के मैनिफेस्टेशन को दोस्तों लिमिट कर देता है इस जनता कितनी पावरफुल एविडेंस डॉक्टर रेमन मोबी ने हमारे सामने रखी इसका वीडियो भी बहुत सुंदर है जो कभी मैं आपके साथ साझा भी जरूर करूंगा इसके बाद मोस्ट पावरफुल एंड कन्विंसिंग एविडेंस जो आज तक हमारे पास आई है वो है डॉक्टर एबेन एलेक्सेंडर ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नीरो सर्जन है बहुत फेमस नीरो सर्जन है जो बहुत कभी भी आत्मा के ऊपर या किसी चीज पर दोस्तों बिलीव नहीं करते ये ही नहीं थे कि आत्मा है या परमात्मा है और जब भी इनको बताया जाता था ये कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे लेकिन फ्रॉम अ स्केप्टिक टू अ बिलीवर इन्होंने अपना मोस्ट क्रेडिबल अकाउंट एवर फॉर नियर एंड ऑफ लाइफ एंड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस इन्होंने कहा जिसमें उन्होंने किताब के अंदर लिखा हेवन इज रियल हेवन इज रियल His near-death experiences is 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 the most astounding that I have ever heard in last four decades. Moody and it a a he living living proof proof of of दो हफ्ते पहले ही एक बहुत सुंदर वेबिनार पर मैं इनके साथ था एंड एक्सपीरियंस इज टू शेयर फिनल एक्सपीरियंस इज टू शेयर कितना सुंदर रूप से किया पर जब ये लिब्रेटेड थे उससे कि इनकी लाइफ बिल्कुल उससे अलग

ड्यूरिंग हिज कोमा जब ये प्रैक्टिकली ब्रेन डेड थे वेंटिलेशन पे थे आर्टिफिशियल सपोर्ट पर थे बाहर की सिचुएशन का इनको कुछ भी पता नहीं था कोमा अर्थात इनका ब्रेन प्रैक्टिकली इनएक्टिव था कहीं पर कोई स्टिमुलस नहीं था इन्होंने एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस और यात्रा का अनुभव किया जिसको उन्होंने आफ्टर लाइफ का नाम दिया और इस आफ्टर लाइफ के अंदर उन्होंने देखा एक बहुत मिरेकुलस हीलिंग

और वो जो अनुभव था वो इतना सच्चा था वो इतना एक्सपेंसिव था कि इस जीवन के अंदर इस अर्थ पर रहते हुए ऐसा लगता है कि मैं एक छोटे से आर्टिफिशियल ड्रीम के अंदर रह रहा हूं एक पिंजड़े के अंदर मैं रह रहा हूं एज कंपेयर टू जब मैं अपने आप को शरीर से डिटैच कर कर आत्मा के रूप में आकर लिबरेट कर कर अपने आप को दूर से देखता हूं दिस इज वॉट ही सेड एज दर्स्ट पॉइंट दूसरी बात इन्होंने कही कि द दैब्रिक ऑफ आफ्टर लाइफ यानी जब मैं शरीर से हट जाता हूं तो मेरी आत्मा मेरा मन केवल एक ही लैंग्वेज समझता है और वो लैंग्वेज है प्यार की की लैंग्वेज लैंग्वेज यानी एक दूसरे के लिए स्नेह ये दूसरी बात उन्होंने बहुत सुंदर कही और तीसरी बात जो उन्होंने कही इन आफ्टर लाइफ यानी जब इस शरीर से हम डिटेस्ड है तो सारी कम्युनिकेशन टेलीपैथिक होती है यानी वहां पर कोई भी शब्दों की जरूरत दोस्तों नहीं होती है शब्द हमको केवल बांधते हैं लेकिन जब हम इस शरीर से डिटाइड हैं, तो एक आत्मा अपने विचारों के द्वारा अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा दूसरी आत्मा से सहज रूप से कम्युनिकेट कर सकती है और इन्होंने कहा कि उस फैब्रिक के अंदर उस सिचुएशन के अंदर हमारा वर्ल्डली पोजीशन और हमारा पोजिशन मैटर ही नहीं करता मैं डॉक्टर हूँ मैं इंजीनियर हूं मैं ऑफिसर हूं मैं लॉयर हूं मैं बिजनेसमैन हूँ मेरे पास इतना पैसा है इसका कोई भी मायने हमारे जीवन के अंदर नहीं होता क्योंकि भौतिकता की की और पदार्थों उसमें जरूरत ही नहीं होती जैसे मैंने आपको बताया था क्योंकि वहां पर केवल प्यार का अनुभव है एक दूसरे के साथ टेलीपैथिक कॉम्युनिकेशन है तो दोस्तों ये मैजिकल अनुभव को उन्होंने अपनी किताब प्रूफ ऑफ हेवन के अंदर समराइज़ किया। इसी के साथ एक और सुंदर एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर माइकल जो मिशिगन यूनिवर्सिटी, अंदर, कर रहे थे। उस के, अंदर के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टरी का एनोरिज्म था जिसको वो रिपेयर कर रहे थे ऐसे समय पर उन्होंने व्यक्ति को प्रैक्टिकली ब्रेन डेड कर दिया मेट ऑल्टेड ब्रेन डेथ उसको हाइपोथर्मिक उसके बॉडी टेम्परेचर को लोअर कर दिया उसकी ब्रीदिंग समाप्त हो गई उसकी हार्ट बीट समाप्त हो गई उसकी हो गई, उसका से दिया गया सर्जरी करते हुए EGB, की EGB, हो गई। लेकिन जब व्यक्ति इस ब्रेन डेथ कंडीशन के अंदर वापस होश में आया उस सर्जरी के बाद उस व्यक्ति ने उसके ब्रेन पर क्या क्या एग्जैक्टली exactly किया गया एक एक चीज को उसने क्लियरली समराइज कर दिया मैजिकल उस व्यक्ति ने एक एक चीज को क्लियरली समराइज कर दिया कि मेरे ब्रेन पर आपने यहां पर यह काटा इसको इस तरीके से किया इस तरीके से आपने मुझे ब्लड दिया ना केवल ये उसने बहुत सारी उस टनल लाइट का उस ज्योति का साक्षात्कार उस लव की एनर्जी को फील किया और अपने रिलेटिव जो इस सर्जरी के दौरान जिसको इंजरी हुई थी उसके बारे में भी उसने उनको बता दिया जबकि उसकी ब्रेन की सर्जरी चल रही थी दोस्तों ये कैसे 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 पॉसिबल है जब एक व्यक्ति के शरीर को प्रैक्टिकली डेड कर दिया जाए ये तभी पॉसिबल है जब उस शरीर के अंदर रहने वाली कोई एंटिटी है वो बाहर निकलकर एक एक चीज को ऑब्जर्व कर सकती है और एक एक एक्सपेरिमेंट को एक्सपीरियंस को अपने साथ रजिस्टर कर सकती है इसको कहा जाता है आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस और नियर एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस लास्ट पावरफुल एक्सपीरियंस जो बहुत ही सुंदर वर्ल्ड फेम का है वो है अनिता मूर्चानी अनिता दैट देंज हर लाइफ इट वॉज इन फेबरी टू टू और इनकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा लुक एट दिस उस समय की पिक्चर इनके हस्बैंड डैनी मूरचानी इनको न्यूयॉर्क की इमरजेंसी के अंदर लेकर पहुंचे और उनको डॉक्टर्स ने क्या कहा उस रात को उनको डॉक्टर्स ने क्या कहा देर इज नथिंग दैट वी कैन डू फॉर योर वाइफ मिस्टर मूरजानी हम आपकी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं इनके ऑर्गन सब शट डाउन हो चुके हैं इनका जो ट्यूमर है वो कंप्लीटली के 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 साइज का होकर पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में इनके के अंदर, इनके ब्रेन अंदर अंदर कंप्लीटली फैल चुका है इनका ब्रेन पानी से भरा हुआ है इनके लंग्स के अंदर इंफेक्शियस पानी भरा हुआ है और आप देख रहे हैं कि स्किन के ऊपर मल्टीपल लेजन हैं और स्किन फटकर बाहर टॉक्सिक ब्लड जो है वो बाहर निकाल रही है हमें नहीं लगता कि राधवी जीवित रह पाएंगी दीज वर दर्ड ऑन रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग के साथ जो आप नेट पर सुन सकते हैं जो इनके हस्बैंड को को कहे गए, को कहे गए, गए। इनके हस्बैंड इस लेडी ने एक्सपीरियंस किया आउट ऑफ दॉडी एक्सपीरियंस was एबल टू सी एवरीथिंग दैट was being डन टू हर बॉडी नियर डेथ experiences, और उस नियर डेथ एक्सपीरियंसिस में इन्होंने कहा कि मैं अपने आप को शरीर से जब डिटैच किया जहां मेरा शरीर मरने वाला था ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था लेकिन मैंने अपने आप को फ्री महसूस किया लिबरेटेड महसूस किया और मैग्निफिसेंट यानी अबंडेंट महसूस किया मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरा दर्द दुख कष्ट वो कंप्लीटली समाप्त हो चुका था मैं अपने आप को पावरफुल वाइब्रेशन दे रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं मुझे कोई भी फीलिंग शरीर के अंदर है ही नहीं वो वाइब्रेशन में शांति से शरीर से डिटैच होकर अपने शरीर को बार बार वो वाइब्रेशंस देती रही बार बार वाइब्रेशंस देती रही वो मेरे लिए स्वर्ग जैसी अनुभूति थी Heaven was a state of being. और दोस्तों आप हैरान होंगे कि वो एक दिन के अंदर ग्रेजुअली उनके बॉडी में जो बॉडी केवल एक घंटा भी नहीं चल सकती थी उनके बॉडी की मेराकुलस हीलिंग हुई और मेराकुलस हीलिंग के बाद शी सर्वाइव दैट ऑर्डील जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था और उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी जिसका नाम था डाइंग टू बी मी डाइंग टू बी मी द जर्नी फ्रॉम कैंसर टू नियर डेथ ट्रू हीलिंग देखिए फ्रॉम कैंसर टू नियर डेथ टू ट्रू हीलिंग किसने किया उस शरीर से डिटैच होकर जब हम स्वयं के स्वरूप में अपने आप को आत्मिक रूप में देखते हैं उसकी शक्तियों को जब हम संजोते हैं और वो पावरफुल एनर्जी जब हम अपने आप को देते हैं अपने शरीर को देते हैं दोस्तों आपका विश्वास आपका बिलीफ सिस्टम आपका कन्विक्शन आपकी मान्यताएं, आपका थॉट प्रोसेस संसार की रचना और परमात्मा कंसीव करता है कि कठिन से कठिन बीमारी से भी आप बाहर निकल सकते हैं दिस इज दैजिक दैट कैन बी क्रिएटेड अगर हम अपने उस स्वरूप को पहचान पाते हैं ऑल साइंटिफिक ऑल ऑन रिकॉर्ड इनके एक्सपेरिमेंट्स इनके एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने अगेन बहुत सुंदर एक हमारा ग्रुप है स्पिरिचुअल ग्रुप उस पर हमने वेबिनार्स भी किए हैं इट इज सच अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विद बोथ दीज पीपल डॉक्टर एंड अनिता मूर्जा वंडरफुल एक्सपीरियंसेस ये सब बातें आपको क्या बताती है ये बातें हमको बताती हैं कि आत्मा यानी कॉन्शियसनेस वो हमारे शरीर से सेपरेट है ये बात तो क्लियरली स्पष्ट हो गई शरीर अलग है और आत्मा अलग है दूसरा आत्मा यानी कॉन्शियसनेस अगर आत्मा आपको नाम नहीं भी लेना तो कॉन्शियसनेस है वो शरीर से बाहर कार्य कर सकती है देखिए ना बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट्स बड़े से बड़े एक्सपीरियंस ये शो कर रहे हैं वो शरीर से बाहर कार्य कर सकती है तीसरा वो अपने आप को हील भी कर सकती है पावरफुल वाइब्रेशन के द्वारा जिसको हम लोगों ने राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन में बहुत कॉमनली यूज किया है कि अपने विचारों के द्वारा हम इतने पावरफुल थॉट्स अपने आप को देते हैं कि हमारी हीलिंग प्रोसेस सहज रूप से दोस्तों आरंभ हो जाता है और चौथा हमारा शरीर हमारा ब्रेन हमारी आत्मा के फंक्शनिंग तो आज ये सब बातें हमको क्या बताती है बातें बताती हैं कि भाई ये शरीर जिसको आप समझ रहे हो ना मैं आप लोगों से सबसे पूछूंगा हमारे साथ 300, 400 लोग हैं YouTube पे लोग हैं सब अपने आप से पूछो अपने आप से केवल एक बात पूछो कि पिछले 10 20 30 40 50 60 70 80 साल जो भी मेरी उम्र है उसमें कितना समय मुझे ये स्मृति रहती है मुझे ध्यान रहता है कि ये शरीर तो मेरी गाड़ी है इसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर मैं कॉन्शियसनेस में गॉड स्पॉट में आत्मा हूं जो मैं हूं वो मैं अपने आप को जानता नहीं और जो मैं नहीं हूं वो मैं अपने आप को पहचानता रहता हूं दोस्तों आज साइंस ने

आत्मिक आंखों के द्वारा वो इन एक्सपीरियंसेस को गेन कर सकते हैं These experiments can be considered as an objective evidence. ये सारी साइंटिफिक एविडेंसेस आज हमको बता रही है क्लियरली बोल रही है ठोक बजाकर क्लियरली कह रही है कि यस यू आर पावरफुल यू आर स्पिरिचुअल आपके अंदर एक शक्ति एक आत्मा सदा है फिर दोस्तों लास्ट एविडेंस आती है डायरेक्ट एविडेंस जिसको हम लोग गॉड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं डॉक्टर ने बहुत सुंदर फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इन यानी वो लोग जो कि परमात्मा को याद करते थे मेडिटेशन की स्थिति में स्थित रहते थे और बाय इल्यूमिनेशन स्टडीज उन्होंने देखा कि ब्रेन का एक एरिया हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल फोसा वो बहुत पावरफुली इल्यूमिनेट हो जाता है जब हम मेडिटेट करते हैं डॉक्टर लियोनार्डो विंची जिसको आप जानते भी हैं बहुत फेमस पेंटर थे उनकी ये ओरिजिनल पेंटिंग है देखिए डिवाइड है करते हैं तो जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं ये देखिए दो लाइनें यही उस आत्मा का निवास स्थान है और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंस ने एग्जैक्टली exactly यही एरिया क्लियरली

एनेटोमिकल सेंटर है ब्रेन का जहां पर हमारे फिजिकल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस सारे पाथवेज एक दूसरे को दोस्तों क्रॉस करते हैं यही वो एरिया है जहां पावरफुल ब्रेन का केमिकल जिसको हम डीएमटी कहते हैं डाई मिथाइल ट्रिप्टामिन वो रिलीज होता है जो हमको पावरफुल मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में दोस्तों डाल सकता है और यही ऑर्गन है यही जगह है जहां से हमारा इमोशनल रैशनल और सेंसरी ब्रेन जो सेंटर है दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर तो लॉजिक यही कहता है कि यस दिस इज द प्लेस वेयर आवर ब्रेन इज आवर सोल इज सिटिंग तो जैसे पायलट के अंदर कॉकपिट के अंदर पायलट आगे बैठता है दोस्तों ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा हमारी सोल भी हमारे ब्रेन के अंदर फ्रंट में कॉकपिट के अंदर आगे बैठती है ताकि वो हमारे पूरे शरीर को हर अंग अंगीट ऑफ सोल के बारे में बातें तो कितनी और मजेदार बातें हैं दोस्तों हाँ हम लोग अगर आत्मा के बारे में सुन भी रहे थे अगर हमें शिखा बहन ने बताया भी कि भाई आत्मा हमारे अंदर है और उस आत्मा को आप समझिए तो आज साइंस भी तो हमको यही बात बता रही है लेकिन इस बात को जब हम समझते हैं तो हमारे मन में एक बात अंडरस्टैंडिंग डीप रूटेड हो जाती है कि यस आई एम नॉट अ बॉडी बट आई एम अ सोल, अ वेरी पावरफुल सोल और अब आत्मा का एनाटमी जब हम समझ लेते हैं जैसे शरीर की एनाटमी हम समझते हैं तो दूसरा जो फर्स्ट प्रोफेशनल के अंदर बात आती है वो आती है कि ये कार्य कैसे करेगी जैसे शरीर के अंदर बायोकेमिकल सर्किट्स होती हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, केमिकल्स बनाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारी आत्मा के अंदर भी सर्किट्स होती है हमारी आत्मा भी बहुत सुंदर रूप से तीन प्रकार की शक्तियों के द्वारा मैनिफेस्ट करती है कैसे हमारी आत्मा सोच डिसीजन पावर और हैबिट फॉर्मिंग इन तीन एंटिटीज के द्वारा कार्य करती है अर्थात आत्मा का सबसे पावरफुल वाहन है वो पावरफुल वाहन है विचारों को क्रिएट करना विचारों को क्रिएट करना सोच एक व्यक्ति की आत्मा एक दिन के अंदर पचास से सत्तर हजार संकल्प उत्पन्न कर सकती है और यदि वो विचार हमारे जीवन में आते हैं तो वो विचार हमारे जीवन में व्यवहार क्रिएट करते हैं आपका एक एक विचार पॉजिटिव या नेगेटिव एक प्रकार का व्यवहार क्रिएट करेगा लॉजिक बात है ना भाई अगर आप सोचो अपने जीवन को क्रिएट करो अगर मैंने आज अपने जीवन में स्वयं के प्रति और बाकी लोगों के प्रति एक अच्छा विचार क्रिएट किया एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया मेरा परिवार कितना अच्छा है मेरा परिवार कितना सुंदर है मेरे परिवार में सब लोग बहुत बढ़िया हैं मैं सबको सम्मान देता हूँ, तो दोस्तों मेरा व्यवहार किस प्रकार का होगा मेरा व्यवहार भी बहुत प्यार से परिपूर्ण होगा तो एक अच्छा विचार एक अच्छा व्यवहार देता है और एक अच्छा व्यवहार दोस्तों एक अच्छी फीलिंग जनरेट करता है एक अच्छा इमोशन जनरेट करता है और वो इमोशन वो फीलिंग हमारे वर्ड्स के अंदर भी मैनिफेस्ट करता है हमारे कर्मों के अंदर भी दोस्तों मैनिफेस्ट करता है ये है ये हमारी आत्मा का वर्क एक अच्छा विचार बुद्धि उस पर निर्णय लेगी अच्छा विचार है आप इस पर कार्य जरूर करो अगर मैंने कहा कि मैं मेरा मन कहता है कि ये गरीब व्यक्ति है इसकी मदद करनी चाहिए तो मेरी बुद्धि कहेगी हाँ मोहित तुम बिल्कुल ठीक सोचते हो तुम्हारा विचार बिल्कुल नेक और अच्छा है इस गरीब आदमी की मदद जरूर करो तो मेरी बुद्धि उस उस पर पर स्टैंप लगाती है उस पर है निर्णय निर्णय देती और जब मैं को पालन करता हूं, तो मैं उस गरीब व्यक्ति को मदद कर देता हूँ और दोस्तों जब मैं एक बारी किसी व्यक्ति की गरीब व्यक्ति की मदद करूंगा तो क्या होगा मेरे जीवन में जैसे ही मैंने किसी व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य किया उसके लिए मदद की तो वो मेरे ब्रेन पर मेरी आत्मा पर एक रिकॉर्डिंग छोड़कर जाएगा उसके ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ देगा उस पर एक निशान छोड़ देगा उस पर एक मार्क छोड़ देगा अगर मैं कल फिर उस बात को दोबारा करूं उस अच्छी बात को दोबारा करूं तो उस मार्क पर वो एक और डीपर इंप्रेशन छोड़ेगा अगर मैं उसको सौ बार रिपीट करूंगा तो बार बार वो उसके ऊपर निशान छोड़ता जाएगा और जब वो बार बार निशान छोड़ेगा दोस्तों तो वो मुझे एक आदत दे देगा तभी हम कहते हैं ना ये व्यक्ति बड़ा शांत है ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है ये व्यक्ति बहुत मीठा है क्यों क्योंकि बार बार उसके संकल्प मीठे उसके विचार मीठे उसकी बुद्धि का निर्णय मीठा उसके बोल मीठे उसके कर्म मीठे उसकी पर्सनालिटी भी मीठी हो जाती है जब मैं बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करूंगा तो गुस्से का एक निशान छोड़ेगा बार बार और करूंगा वो और गहरा निशान छोड़ेगा वो और गहरा छोड़ेगा फिर हम कहेंगे ये व्यक्ति तो है ही गुस्से वाला लोग कहेंगे इसको तो गुस्सा ही आता है इसको बात करने का तरीका नहीं है तो दोस्तों ये हमारी आत्मा का फंक्शनिंग होता है लेकिन एक अच्छी बात इसके अंदर है वो अच्छी बात है कि यह परमानेंट नहीं होता हम चाहे तो इसको रिवर्स कर सकते हैं भाई अच्छी बात को तो रिवर्स नहीं करना चाहेंगे लेकिन अगर हम अपने आप को कहते हैं कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे को तो दूसरों को देख के इरिटेशन होती है मुझे कंप्लेन करना आता है मैं दूसरों को क्रिटिसाइज बार बार करता हूँ कभी कभी मेरे अंदर ईर्ष्या और घृणा जैसी भावनाएं आ जाती हैं तो अच्छी बात यह है कि आज ही उन भावनाओं को हम चेंज कर देते हैं अगर मैं आज एक संकल्प को चेंज करूंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है लेकिन मैं एक संकल्प ये क्रिएट करूंगा कि मैं बहुत प्यार से परिपूर्ण स्नेह से परिपूर्ण आत्मा हूं मेरा नेचुरल नेचर ही दूसरों को प्यार देना है स्नेह देना है तो दोस्तों क्या होगा लैंग्वेज बदली तरीका बदला नेगेटिव चीज को मैंने हटा दिया और मैंने अपने ब्रेन पर उस नेगेटिव एरिया के ऊपर एक गहरा प्रहार किया एक पावरफुल प्रहार किया जो मेरे बिली सिस्टम को तोड़ देता है कि मैं गुस्से वाला आत्मा हूँ वो उसके ऊपर एक छाप छोड़ता है कि अरे मैं गुस्से वाला नहीं तो हूँ और दोस्तों एक बारी दो बारी तीन बारी केवल 21 दिन आप कर लीजिए आपका पुराना ब्रेन के सारे पाथवे समाप्त हो जाएंगे और नई रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यही मेडिटेशन की पावर है इसको साइंस में न्यूरो फोल्डर परमात्मा आपको देकर भेजता ही नहीं कल मैं एक बहुत सुंदर इंटरव्यू पर था वो पूछ रहे थे कि आपके एक्चुअली इन्नेट फोल्डर्स होते क्या है तो मैंने कहा हमको केवल सात फोल्डर्स मिलते हैं परमात्मा के द्वारा और ये सात फोल्डर हर व्यक्ति को उतनी ही मात्रा में उसी प्रकार से मिलते हैं और ये फोल्डर्स कौन से हैं नोट कर लीजिए कभी कभी हम भूल जाते हैं ये आप सबके मन के अंदर है ये बातें शांति का एनर्जी शांति का नंबर वन फोल्डर दूसरा है आनंद का फोल्डर तीसरा है प्यार की एनर्जी यानी प्यार का बूटिंग फोल्डर चौथा है खुशी यानी हैप्पीनेस का फोल्डर पांचवा है परमात्मा के द्वारा दी हुई सर्व शक्तियों का फोल्डर छठा है परमात्मिक ज्ञान का फोल्डर और सातवा जो इन सब का आधार है वो है पवित्रता का फोल्डर। आप बताइए दोस्तों एक श्रेष्ठ और अच्छे जीवन के लिए आपको आठवीं कौन सी चीज की आवश्यकता है इन सबके आप अगर आज यहां पर जुड़े हैं या आपके जीवन के अंदर यदि परमात्मा की अच्छे जीवन की खोज है तो इन सात बातों में से कोई भी आठवीं बात है जो आपको चाहिए हो ही नहीं सकता यदि आपको जीवन में खुशी आनंद शांति प्यार पवित्रता ज्ञान और शक्ति मिल जाती है दोस्तों तो वो जीवन परिपूर्ण हो जाता है वो जीवन आनंद से परिपूर्ण और श्रेष्ठ हो जाता है और कुछ भी हमको जीवन में दोस्तों जरूरत नहीं होती है तो फिजियोलॉजी हमको क्या बताती है आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ ट्रू आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ यानी सच्चा आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ इन सोल कॉन्शियस वे आज तो शरीर के अहम में हम कार्य करते हैं मैंने ये कहा मैंने ये किया दूसरा व्यक्ति मुझे कैसे बोल सकता है उसने मेरे ईगो को स्क्रैच किया मेरे को उसने कैसे स्क्रैच किया दोस्तों ईगो हमारे जीवन के अंदर हमारे अस्तित्व को हमारी रियलिटी को समाप्त कर देता है हमारे संबंधों को डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे जीवन की खुशी को ले जाता है तभी ईगो को अहम को अगर एक शब्द में डिफाइन किया जाए वो है ऑल्टर्ड और अननेचुरल स्टेट एक ऑल्टर्ड और एक अननेचुरल स्टेट है वो हमारी स्वाभाविक स्टेट नहीं है हमारी स्वाभाविक स्टेट है दोस्तों ये सात बातें ये हमारा स्व का भाव है ये हमारी ओरिजिनल फोल्डर्स है तो आज हम सब क्या प्रण करेंगे आज हम सब प्रण करेंगे हम सब करेंगे कि भाई छोटी छोटी बातों को जो हमने शिखा बहन से सुनी इतनी सारे इस कोर्स की यात्रा के अंदर हमने सुनी उन बातों को हम प्यार से अपने जीवन में अपनाएंगे और मुझे बताइए कि अगर परमात्मिक शक्ति को अपने अंदर आकर अनुभव करना और अपनी आत्मा को प्यार खुशी शांति और शक्ति का अनुभव कराना अगर इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है परमात्मा दे रहा है आत्मा साइंटिफिकली जो हमने समझाया उसको दे रहा है और एक अच्छा जीवन बनाने की कला सिखा रहा है तो यह आध्यात्मिकता ये स्पिरिचुअलिटी तो दोस्तों हर किसी को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए इसमें सिलेक्टिवनेस किस बात की इसमें धर्म की क्या बात? मैं तो हमेशा मानता आया हूं कि धर्म केवल शरीरों के होते हैं। अगर मैं किसी मुस्लिम के यहाँ जन्म लूंगा तो मेरा नाम मुस्लिम का हो जाएगा अगर मैं सिख क्या लूंगा तो मेरे नाम के आगे सिख का टैग जुड़ जाएगा क्रिश्चियन का टैग जुड़ जाएगा जैनिज्म का टैग जुड़ जाएगा लेकिन दोस्तों आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी हर धर्म के लिए एक ही मैसेज देती है कि केवल प्यार शांति और पवित्रता ही हमारे जीवन का सत्य है आप काले हैं आप गोरे हैं आप इस धर्म के हैं आप उस धर्म के हैं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आध्यात्मिकता की दृष्टि से हर व्यक्ति के अंदर वही शक्ति विद्यमान है वही ज्योति बिंदु आत्मा दोस्तों विद्यमान

ये आज हमारी ऐसी बीमारियां कीटाणु हमारे आत्मा को भी लग गए हैं शरीर का तो इलाज भाई डॉक्टर दे सकता है आप डॉक्टर मोहित के पास आएंगे तो वो हार्ट का इलाज कर देंगे आप किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके लंग्स का इलाज कर देंगे आपके ब्रेन का इलाज कर देंगे आपके इंफेक्शन का इलाज कर देंगे किसी भी प्रकार से इलाज कर देंगे लेकिन दोस्तों जब पैथोलॉजी बात हमारी मन हमारी आत्मा की आ जाए हमारी आत्मा बीमार है और आज है ना क्योंकि क्रोध है ईर्ष्या है घृणा है कंपटीशन है कंपैरिजन है एक्सपेक्टेशंस हैं और क्रिटिसिज्म है ये सात बातें ये सात बीमारियां तो आज सर्वव्यापी है दोबारा सुनिए एंगर हेट्रेड जेलिसी कंपैरिजन क्रिटिसिज्म एक्सपेक्टेशंस और हर व्यक्ति के लिए किसी ना किसी तरीके से कंपैरिजन अगर ये बातें कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर है तो अर्थात हमारी आत्मा बीमार है और बीमार अर्थात डिजीज अर्थात हमारी इजीनेस कहीं ना कहीं हमारे जीवन से चली गई है तो दोस्तों इस इजीनेस को लाने के लिए इस सिचुएशन को लाने के लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ताकि वो हमारे शरीर पर बीमारियों के रूप में मैनिफेस्ट ना करे चाहे वो हार्ट के डिसऑर्डर्स हैं ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं पेट के डिसऑर्डर्स हैं कहीं ना कहीं प्रकार से जब हमारा मन बीमार होता है तो शरीर की बीमारियां भी सिग्निफिकेंटली दोस्तों बढ़ने लगती हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है आज अपने मन का इलाज करना अपने विचारों का इलाज करना दूसरों के विचारों का नहीं अपने विचारों का अगर सेम विचार तो सेम डेस्टिनी बार बार क्रिएट हो अगर आप नई डेस्टिनी क्रिएट करना चाहते हैं जीवन में खुश रहना चाहते हैं शांत रहना चाहते हैं आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो दोस्तों विचार भी नए लाने पड़ेंगे हमारे विचार ही तो हमारे जीवन में हमको व्यवहार और इमोशन देंगे अगर सेम विचारों के साथ हम जिएंगे तो हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा तो इसीलिए उन श्रेष्ठ विचारों को लाने के लिए परम पिता परमात्मा को उसकी जो दी हुई दवाई है जो मेडिटेशन है उसको अपने जीवन में अनुभव तो करना पड़ेगा भाई अगर दवाई आती है आप सोचो अगर हमारे पास शिखा बहन आई और शिखा बहन आकर कहती है कि मोहित भाई मुझे ये चार बीमारियां हैं और मैं उनको कहता हूँ ठीक है भाई ये चार बीमारियां हैं और इसके लिए पांच गोलियां हैं अब पांच गोलियां हैं और मैं उनको बोलू की पांच गोलियों में से एक गोली आप अपने हस्बैंड को खिला दीजिए दूसरी गोली आप अपनी मदर को खिला दीजिए तीसरी गोली आप अपने बच्चों को खिला दीजिए चौथे गोली आप अपने फादर को खिला दीजिए और केवल एक गोली आप खाइए तो उनका उत्तर क्या होगा कि सर बीमारी तो मुझे है तो गोलियां मैं किसी और को क्यों खिलाऊंगी अब बात भी बिल्कुल सही है आज यही तो हम पूरे दिन करते रहते हैं कि भाई बीमारी तो मुझे है लेकिन इलाज में दूसरों का करता रहता हूं तुम बदलो तुम बदलो तुम बदलो तुम बदलो तो बदला कैसे जाएगा इसके लिए आवश्यक है कि अगर मैं स्वयं की बीमारी को समझ जाता हूं तो बहुत जरूरी है मैं स्वयं का इलाज स्वयं करूं परमात्मिक जीवन परमात्मिक संस्कारों को उसके गुणों को उसकी शक्तियों को अपने अंदर आने दूं दोस्तों बहुत सुंदर बात आपको सुनाता हूं बड़ी मजे की बात है कि एक महात्मा था वो महात्मा जगह जगह जाता था बहुत अच्छे प्रवचन और तपस्या करता था लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो अपने साथ एक शीशा लेकर जाता था और जहां शीशा लेकर जाता था थोड़ी थोड़ी देर बाद दो बारी शीशे को वो देखता रहता था और दो बारी शीशे को देखता तो लोग बड़े परेशान हो जाते कि भैया तो महात्मा है और महात्मा होकर उसको शीशे देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए तो एक दिन महात्मा के पास वो पहुंचा और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो महात्मा मुस्कुराने लगा और उन्होंने कहा आइए आप सब बैठिए यहाँ पर और उसने बिठाकर उनसे कहा कि देखो जब मैं जीवन में कोई भी समस्या आती है तो मैं उस समस्या के आते ही शीशे को देखता हूँ और उस शीशे को देखते ही मुझे पता लगता है कि मेरे जीवन की सारी समस्याओं का जड़ कौन है तो लोग हंसने लगे कहते हैं क्या दिखता है आपको तो कहता है मुझे अपनी शक्ल दिखती है और मुझे महसूस होता है कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं परेशानियां हैं उसका जड़ मैं स्वयं हूँ सारी मुझसे ही ओरिजिनेट होती हैं मेरे विचारों से ही ओरिजिनेट होती है तो वो लोग मंत्र मुग्ध हो गए कहते हैं क्या बात आपने बिल्कुल कही है तो बिल्कुल ठीक है पर महात्मा जी हमको ये नहीं समझ में आया आप दोबारा के शीशे को देखते हैं वो हंसने लगा उसने कहा भाई जब मैं दूसरी बारी देखता हूं तो मुझे ये दिखता है कि मेरे इस सारे जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन किसके पास है तो कहते हैं आपको क्या दिखता है कहते हैं मुझे फिर मेरी अपनी इमेज दिखती है कि भाई अगर प्रॉब्लम मुझसे क्रिएट होती है तो सॉल्यूशन भी मेरे पास ही है मुझे ही उस सॉल्यूशन को करना पड़ेगा तो दोस्तों यही हम बताना चाहते हैं कि राजयुगा मेडिटेशन हमारे अपने लिए है हमारे स्वयं को सॉल्यूशन देने के लिए है आज हम लोग मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे भाग रहे हैं भीख मांग रहे हैं परमात्मा से फेस्टिवल्स को मनाते हैं अभी गणेश चतुर्थी गई तो मैं अपने मित्रों से फ्रेंड्स से शेयर कर रहा था कि कितना भावार्थ रूप से हम उस फेस्टिवल को मनाते हैं उसके पीछे एसेंस क्या है ऐसे दिवाली आएगी दशहरा आएगा हर फेस्टिवल का भारत वर्ष में एक सुंदर एसेंस है तो दोस्तों परमात्मा से हम लोग सुख शांति की भीख मांगते हैं क्यों मांगे राजयोग मेडिटेशन कहता है कि भाई वो मेरा पिता है वो मेरा अपना है मेरा अपना पिता के आगे मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा मैं तो उससे अधिकार से लूंगा मैं क्यों जगह जगह जाकर अपना माथा ढकू मैं अपने पिता से हक से लूंगा और पिता मुझे जरूर देगा यही सच्चा परिवर्तन का आरंभ है दोस्तों आज साइंस ने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा 2008 2005 2010 से 14 और 2007 थ्योरी ऑफ गॉड स्पॉट ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट Of brain अलग अलग प्रकार से उन्होंने ब्रेन को स्टडी करके बताया है तो हम लोग बहुत सुंदर जहां हमारा ब्रेन एक पावरफुल एंटिटी के साथ कनेक्टेड होता है परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्टेड होता है तो आज साइंस भी इस बात को ले जा रहा है समझ रहा है कि यस देर इज अर एनर्जी सुप्रीम एनर्जी जिसके साथ हमारी आत्मिक शक्ति जो है वो कनेक्ट हो सकती है जिसको हम लोग ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट के रूप में आज इन्वेस्टिगेट दोस्तों कर रहे हैं तो आज बहुत आवश्यक है कि परम पिता परमात्मा की शक्ति को अपने जीवन में आने दीजिए क्यों से दूर भागते हैं क्यों उसको हम लोग जरूरत और डर के अनुसार याद करते हैं अरे भाई कोई संबंध प्यार का संबंध होता है किसी भी व्यक्ति से जो संबंध होता है वो दिल और स्नेह का संबंध होता है आइए मैं आपको बड़ी मजेदार कन्वर्सेशन पर लेकर चलता हूं और आप इसको सुनेंगे तो हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे हमेशा आई थिंक हजारों बारी मैंने सुनाई है और आज मैं फिर आपको सुनाऊंगा और देखिए कि एक प्रोफेसर जो कि परमात्मा पर विश्वास नहीं करता केवल साइंस पर विश्वास करता है वो अपने स्टूडेंट्स को क्या कहता है वो कहता है फिलॉसफी का प्रोफेसर कि साइंस को परमात्मा के साथ क्या प्रॉब्लम वो अपने स्टूडेंट से बोलता है कि क्या तुम परमात्मा को मानते हो तो स्टूडेंट कहता है जी मैं बिल्कुल परमात्मा को मानता हूं प्रोफेसर तो कहता है कि क्या परमात्मा अच्छा है तो स्टूडेंट कहता है जी परमात्मा बहुत अच्छा है प्रोफेसर कहता है कि बेटा तुम्हारे पास पांच सेंसेस हैं जो पांच सेंसेस मैंने आपको दिखाई थी हमारे जो कार्यकर्ता है हाथ है आंखें हैं कान है मुख है और नाक है आप अपने पांचों सेंसेस से अपने अराउंड वर्ल्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या तुमने कभी परमात्मा को देखा है उसने कहा नहीं देखा क्या तुमने कभी परमात्मा को सूंगा है चखा है या तुमने कोई भी परमात्मा को कभी महसूस किया है तो कहता है नहीं जी मैंने परमात्मा को ना देखा है ना चखा है ना उसको कभी सूंगा है तो प्रोफेसर कहता है तुम फिर भी उसको मानते हो तो स्टूडेंट कहता है हाँ सर मैं तो परमात्मा को मानता हूं तो प्रोफेसर कहता है नहीं साइंस नहीं मानती अकॉर्डिंग टू दी टेस्टेबल और डिमोन्स्टेबल प्रोटोकॉल एम्पेरिकल

बच्चा साइलेंस के बाद एकदम उठकर बोला कि भाई इस पूरी क्लास में किसी ने प्रोफेसर का ब्रेन देखा है सब लोग हंसने लग गए तो स्टूडेंट बोला क्या इस क्लास में किसी ने कभी प्रोफेसर के ब्रेन को सुना है सूंगा है चखा है कभी कुछ भी किया है नोवन अपियस टू है बोला मुस्कुराते हुए सो सर अकॉर्डिंग टू दीस्टैब्लिश रूल्स ऑफ इंपेरिकल स्टेबल एंड डेमोन्स्ट्रेबल प्रोटोकॉल साइंस कहती है कि सर आपका तो ब्रेन ही नहीं है तो सर जब आपका ब्रेन ही नहीं है आपका दिमाग ही नहीं है तो मैं आपके को क्यों ट्रस्ट करूं मैं तो नहीं मानता कि आपके लेक्चर्स सही हैं तो प्रोफेसर मुस्कुराने लगा उसने कहा बेटा ये तो तुम्हें विश्वास पर लेना पड़ेगा तो स्टूडेंट ने कहा सर यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ने वाली जो शक्ति है वो विश्वास है साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने वाला जो तत्व है जो शक्ति है वो विश्वास है उन दोनों को बैलेंस करने वाला विश्वास है हमारे जीवन को चलाने वाला विश्वास है हमारे जीवन में मिराकल्स क्रिएट करने वाला विश्वास है अगर हम सब कुछ माने तो हमारा विश्वास हमारे जीवन में दोस्तों मिराकल्स क्रिएट कर सकता है तो आज अगर हम लोग दोस्तों परम पिता परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं परम शरीर नहीं कहते तो दोस्तों हम भी तो उसकी संतान आत्मा ही होंगे ना शरीर नहीं होंगे ना और उस आत्मा का परम पिता परमात्मा से जो मिलन है ये जो यात्रा आप कर रहे हैं ना देख रहे हैं आज दस स्टेप है, है, है इस यात्रा को आपने आरंभ किया और धीरे धीरे करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ लोग निकल जाते हैं चले जाते हैं क्यों समय नहीं है वो पांच नावों में ही अपने आप को चलाना महसूस करते हैं दोस्तों वो पांच नावे जो हमारे जीवन के अंदर हैं जो हम लेकर चलते हैं कौन सी पांच नावे हमारे जीवन में धन की नाम हमारे जीवन में प्रतिष्ठा की इच्छाओं की हमारे जीवन के अंदर संबंधों की और हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं लोगों के लिए सब किसी ना किसी प्रकार की जो नामों के अंदर चलते हैं उसी के साथ एक और नाव है जो हमारे अंदर जाती है जिसमें आप लोग आज सवार हुए हैं इसी नाव को मेडिटेशन और योग कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा से प्यार और समझ के आधार पर कम्युनल है ध्यान से समझिएगा ये संबंध है प्यार के आधार पर जरूरत और डर के आधार पर नहीं आज तक हम परमात्मा को याद करते रहे जरूरत और डर के आधार पर अरे भाई पूजा कर लो वरना कुछ ऐसा हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा अरे मैं परमात्मा आपकी पूजा कर रहा हूं मुझे ये प्राप्ति करा देना मुझे ये करा देना मैं ये तीर्थ स्थल पर करूंगा मैं ये कमरा लिखवा दूंगा मैं ये दान कर दूंगा यानी जरूरत के आधार पर और डर यानी अगर मैं याद नहीं करूंगा तो सारी बुराइयां नेगेटिविटी मेरे पास ही आएगी जैसे कि परमात्मा का ऊपर काम ही नहीं है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो वो आपके ऊपर श्राप देगा अरे भाई वो मेरा पिता है वो पिता मुझे क्यों श्रापित करेगा मैं तो अपने कर्मों के द्वारा अपनी सोच के द्वारा स्वयं को ही श्रापित करता हूं इसलिए बहुत आवश्यक है परमात्मा के साथ मेरा संबंध प्यार का होना चाहिए बहुत प्यार वाला मीठा प्यार वाला संबंध होना चाहिए और दूसरा समझ के आधार पर होना चाहिए यानी ज्ञान के आधार पर होना चाहिए जो संबंध प्यार और समझ के आधार पर है वही संबंध हमको सकारात्मक विचारधारा और सकारात्मक लाइफस्टाइल दोस्तों दोस्तों, देता है। तो राज्यों का मेडिटेशन हमारे लिए चार्जर का कार्य करता है मात्मिक ज्योति को जगाता है और परम पिता परमात्मा से वो जो सातों फोल्डर्स है शांति वो शांति का सागर प्यार हमको चाहिए वो प्यार का सागर प्योरिटी प्योरिटी का वो सागर है ज्ञान वो ज्ञान का सागर है अनंत सागर है वो सारी शक्तियां खुशियां वो खुशियों का सागर है वो सारी शक्तियां बहुत सहज रूप से मुझ आत्मा के अंदर आती रहती हैं। राजयोग का मेडिटेशन हमारी आत्मा को हील करता है हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाता है ये हमारी आत्मा के लिए एक लाइट मसाज का काम करता है जैसे जब शरीर थक जाता है तो हम कहते हैं ना भाई सहला दो चार्ज कर दो थोड़ा सा तेल लगा दो थोड़ा सा दबा दो इसी प्रकार हमारे आत्मा के लिए भी जो जिम है हमारी आत्मा के लिए भी जो ऑयल है हमारी आत्मा के लिए भी जो टॉनिक है हमारी आत्मा के लिए भी जो भोजन है हमारी आत्मा के लिए भी जो रिज्यूविनेटिंग कॉस्मेटिक टूल है वो है मेडिटेशन यानी वो हमारी आत्मा को सुंदर बनाता है हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाता है हमारी आत्मा की थकान को दूर करता है हमारी आत्मा को बहुत बहुत खुशियों से परिपूर्ण कर देता है क्योंकि हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा से दोस्तों जुड़ जाती है यही राजयोग का अभ्यास है यही राजयोग की शक्ति की ब्यूटी है दोस्तों जहां हम लोग केवल अपने सोच के आधार पर कार्य करते रहे जहां बुद्धिजीवी हम कहेंगे हम तो कर्म योगी हैं हम कर्म पर विश्वास करेंगे हमको समय नहीं है हमारी लाइफ बहुत डिमांडिंग है हम रीजनिंग हैं हम स्ट्रैटेजिक हैं हम अपने जीवन में केवल एनालिटिकल और एक्यूरेट हैं डिजाइजिव हैं परमात्मा कहता है भाई ठीक है बहुत जरूरी है करो लेकिन गणेश की वो मूर्ति ध्यान आई ना जो परसों ही गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल गया है कि जहाँ एक पाओ जमीन पर है राइट पाओ जमीन पर है वर्ल्ड से कनेक्टेड है वही दूसरा पाव जो कि लेफ्ट और लॉजिकल ब्रेन है वो राइट पाव के नीचे दबा हुआ है यानी हमारा इमोशनल ब्रेन कनेक्टेड होते हुए भी लॉजिकल ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है हार्मनी क्रिएट कर रहा है बैलेंस क्रिएट कर रहा है हमको सिखा रहा है कि पाव कर रहे हो जुड़े हुए संसार से लेकिन जुड़े हुए रहते हुए भी तुम डिटैच रहते हो क्योंकि होलिस्टिक जीवन तुम्हारे जीवन में तुमको शांति प्यार खुशी और आनंद देता है यही यही आध्यात्मिकता की की ब्यूटी है। यही की ब्यूटी है है मेडिटेशन जो गणेश के उस पोज को सिग्निफाई करता है कि जुड़े भी रहना है और जुड़े रहते हुए डिसोसिएट भी हमको होना है कार्य करना है लेकिन अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए भी दोस्तों समय निकालना है राजयोग का मेडिटेशन हमारे मन को हमारे ब्रेन के अंदर हमारे सिस्टम्स के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ला देता है हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर गाबा कामिंग हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं हमारे शरीर के अंदर अलग प्रकार के जो एंडोर्फिन जो खुशी के हॉर्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं

क्योंकि ब्रेन ये देखिए जो ब्रेन दोनों ब्रेन एक दूसरे से अलग कार्य कर रहे हैं एक दूसरे से है, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं है केवल पंद्रह मिनट की मेडिटेशन के बाद ये एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं देखिए आपके सामने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कितना सुंदर रूप से वो समन्वयता वो कनेक्ट वो जोड़ ऑटोमेटिकली आने लगता है और केवल 25 मिनट के बाद एक ब्रेन जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रोन है वो ब्रेन इंटीग्रेटेड बन जाता है पावरफुल बन जाता है परफॉर्मिंग ब्रेन बन जाता है और शक्तिशाली ब्रेन बन जाता है दिस इज दी पावर केवल 25 मिनट मेडिटेशन जब हम 1440 मिनट जो हमको रोज मिलते हैं उसमें से हम करते हैं तो ये हमको एक पावरफुल इंटीग्रेटेड सिस्टम दोस्तों देता है तो यही हमारा आखिरी प्रोफेशनल है जब हम जानते हैं कि हमको सब ज्ञान मिल गया तो दोस्तों अब क्या करेंगे अब तो हमको केवल दूसरों को देना है और इसको अपने जीवन में भी अपनाना है अपने जीवन में भी दोस्तों ग्रहण करना है अपने जीवन में भी इसको अपने साथ लेकर चलना है दोस्तों जीवन तो चलता रहेगा परिस्थितियां आती रहेंगी वो पांच नावों में भी हम सवार होते रहेंगे कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं लेकिन दोस्तों एक दिन में कम से कम दो या तीन बारी अपने मन की उस अंदर की यात्रा पर भी निष्कंप स्थिति के अंदर भी हम लोग जरूर जाए उस यात्रा पर जरूर जाए दोस्तों लोग कई बार यही पूछते हैं कि भाई परम पिता परमात्मा को कब याद करें तो एक व्यक्ति के पास एक महात्मा के पास गए तो उसने कहा कि भाई रोज मत याद करो केवल मरने से एक दिन पहले परमात्मा को याद करना उसी से ही कार्य हो जाएगा वही बहुत है तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा क्या बात है एक ही दिन से हमारा उद्धार हो जाएगा पर एक व्यक्ति ने बोला कि महात्मा जी हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे उसने मुस्कुराते हुए बड़ी प्यार की नजरें उठाते हुए उनके पास देखा और कहा कि बेटा फिर आज याद करो क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है तो दोस्तों आज हम ये तीन भावनाएं अपने मन अपनी आत्मा में लेकर जाएंगे स्वयं के प्रति ध्यान रखिए दूसरों के लिए नहीं पहले स्वयं के प्रति करुणा की भावना अपने लिए भी करुणा अपने आप को बार बार श्रापित करना अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स बोलना अपने आप को नेगेटिव चीजें बोलना ये हमारी अंदरूनी शक्ति को समाप्त कर देता है अगर हम स्वयं ही शक्तिशाली नहीं है तो इस शक्ति को हम बाहर दोस्तों कैसे दे पाएंगे तो करुणा स्वयं के प्रति और हर व्यक्ति हर आत्मा जैसी भी हमको हमारे सामने आए उसके प्रति हमको केवल करुणा की भावना है उसको देना है प्यार से उसको देना है ये पहली भावना अपने जीवन में लाए दूसरी हरे के प्रति प्यार की भावना स्वयं के प्रति भी प्यार और अन्य आत्माओं के प्रति भी प्यार की भावना उनको प्यार उनको दिल से एक्सेप्ट करके दे उनकी गलतियां उनकी ग्रजेस को समाप्त करें केवल हमारे मन की जो गांठे हम लगा लेते हैं एक एक गांठ हम लगाते जाते हैं तो वो गांठ हमारी सोच को हमारी विचारधारा को दोस्तों समाप्त कर देती है और तीसरी भावना जो हमको रखनी है वो है स्वयं और हर आत्मा के प्रति शांति की भावना परमात्मा करुणा का सागर है प्यार का सागर है शांति का सागर है और हम उसकी संतान है प्यार शांति और करुणा ये हमारे निजी गुण हैं स्वयं के प्रति भी और हर आत्मा हर व्यक्ति हर संसार की हर व्यक्ति के प्रति भी इन बातों को हमें दोस्तों धारण करना है तो अंत में जीवन में तो दोस्तों ये यात्रा चलती रहेगी अलग अलग ईमेल्स आती हैं अलग अलग फोन कॉल्स आते हैं फाइल्स है वर्क है कार्य तो हमको करना है ऐसा नहीं करना ब्रह्मा कुमारी ने कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि भाई घर बाहर छोड़ दो और घर में बैठ जाओ ऐसा कभी नहीं बचपन से मैंने देखा परमात्मा ने कार्य को और करना सिखाया उसने कहा प्रोफेशनली और अच्छी तरीके से करो लेकिन जब हमारी मन की स्थिति पावरफुल और श्रेष्ठ हो जाती है जब परमात्मा को ध्यान से सुनिए जब परमात्मा को अपने जीवन का हम स्पेयर व्हील नहीं बनाते जब परमात्मा को अपने जीवन का हम स्टीयरिंग व्हील बनाते हैं दोस्तों तो परमात्मा उसी कार्य के अंदर चार चांद लगा देता है आप पांच करेंगे परमात्मा को पांच हजार जैसी प्राप्ति कराएगा आपको लगेगा जैसे परमात्मा आपके लिए रोज मिराकल क्रिएट कर रहा है क्यों क्योंकि आपका मन पवित्र है शक्तिशाली है और परम पिता परमात्मा सदा आपको देता रहेगा आपको शांति और शक्ति देता रहेगा तो परमात्मा आपको डिटैच में ही होना सिखा सिखाता परमात्मा आपको बहुत सुंदर रूप से एसोसिएट और जोड़ना सिखाता है उस जुड़ने के अंदर ही डिसोसिएट होना जुड़ा होता है

अपने वीडियोस को सब लोग ऑन करें जो भी कंफर्टेबल पोजीशन में और बहुत सुंदर यात्रा पर अपने आप को लेकर चले देखें अपने आप को इस शरीर से अलग और शरीर में विद्यमान शांत शक्तिशाली प्रकाश पवित्र ज्योतिपुंज के रूप में शरीर अलग और मैं आत्मा अलग ये शरीर मेरा मंदिर है जहां मैं आत्मा राजा विद्यमान हूं ये शरीर एक सीप की तरह है जहां मैं शक्तिशाली आत्मा एक मोती की तरह विराजित हूं ये शरीर एक सुंदर बगिया की तरह है, जहां मैं आत्मा एक कमल के पुष्प के समान खिल रही यह शरीर एक सोने की तरह है जहां मैं आत्मा एक हीरे की तरह एक डायमंड की तरह हीरोई हो। देखें अपने संकल्पों को अपने जीवन को जीवन की कुछ कुछ बातों को जीवन में क्रोध स्वयं और अन्य आत्माओं के प्रति नेगेटिव ये विचार मुझे कष्ट देते हैं मेरी शोभा को समाप्त करते हैं आज आत्मा अपनी बगिया को अपने इस घर को परमात्मिक शक्ति के द्वारा साफ करती अनुभव करें परम पिता परमात्मा की प्योरिटी की वाइब्रेशंस, परम पिता परमात्मा शांति की वाइब्रेशंस, आनंद की वाइब्रेशन लाइट के रूप में मुझ आत्मा को असीम शांति प्यार और आनंद का अनुभव करा रहे महसूस करें भी हल्का हाँ मन देखें आपका ग्रोथ आपके जीवन के अंदर इरिटेशन सब बातें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है बाहर निकलती जा रही मेरा एक एक विचार शक्तिशाली है शांत यही शक्ति मेरे शरीर के एक एक सेल एक एक कण को शांत और शक्तिशाली बना रही है। अपने अनुसार चौ तरफ एक आभा मंडल सफेद पवित्रता का आभा मंडल परमात्मिक शक्ति का आभा मंडल महसूस करें, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस आभा मंडल को भेद नहीं सकती, कोई भी शक्ति मेरे इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सकते मैं परमात्मिक छत्र छाया में महफूज हूं सुरक्षित हूं सेफ हूं प्रोटेक्टेड हो इसी स्थिति में रहते हुए आज हम सब एक संकल्प करेंगे एक दिया जलाएंगे अपने आत्मिक दिया जलाएंगे अपने मन के अंदर परमात्मिक स्मृति का एक दिया जलाएंगे और यही दिया हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन का आरंभ करेगा दोस्तों अगर किसी कमरे में अंधकार मिटाना हो तो पांच दिया जलाने की आवश्यकता नहीं केवल एक ही दिया उस कमरे को प्रकाशित कर सकता है आज इस संसार में दिए की जरूरत है और मैं आप सब परमात्मिक आत्माओं परमात्मिक बच्चों को केवल एक अनुरोध करूंगा कि अपने आप से पूछिए कि आज क्या मैं वो दिया बनने के लिए तैयार हूँ क्या मैं वो दिया बनने के लिए अपने आप को परमपिता परमात्मा को ऑफर करता हूं ओम शांति इस यात्रा का आरंभ आपने किया है और इस यात्रा से हम सब जुड़े रहेंगे केवल आज ये यात्रा हमारी आरंभ होकर समाप्त नहीं होती है लेकिन आज हम सब को सब को एक प्रण लेना है अगर हमसे पुराने कोर्सेज मिस हुए कोई बात नहीं लेकिन ये सारे लिंक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे लेकिन दोस्तों मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि उस परमात्मिक शक्ति को जीवन में आने दीजिए उसका अनुभव करिए उसका रसा स्वादन करिए आपके जीवन को एक नए लेवल पर आपके अनुभवों को एक नया दिशा निर्देश देखा ओम शांति ओम शांति भैया इतनी वंडरफुल ये जर्नी रही है आज पूरा चैट बॉक्स कॉम्प्लीमेंट से भरा हुआ है और कितनी सेटिस्फाइड हुई है आत्माएं ये जर्नी हमने स्पिरिचुअली शुरू की थी लेकिन आपने बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट से एक्सप्लेन किया है और मुझे लगता है सभी के क्वेश्चंस जो तो शुरुआत में आए भी थे सब सेटिस्फाइड हो गए होंगे और सबकी एक ही चाहना है कि हम आपको दोबारा बुलाएं, आप सिर्फ बार बार इतनी ही सुंदर क्लासेस लें तो आप बस टाइम टू टाइम टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और अभी टाइम को देखते हुए मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे भैया से भैया के साथ और आपके जो भी कोर्स के दौरान क्योंकि तो सिर्फ एक चैप्टर नहीं है काफी सारे हैं कहीं भी कोई क्वेरी रहती है तो उस दिन भैया को हम स्पेशली बुलाएंगे कि आपकी सारी क्वेरीज का अच्छे से आंसर करें ठीक है इस चीज के लिए अगर आप लोग रेडी हैं तो हम नेक्स्ट टाइम भैया को कोर्स के टाइम कोर्स के बाद ही बुलाते हैं तो भैया आप अपना टाइम देंगे जरूर क्या नहीं शुक्रिया तो ठीक है अब आपसे विदा लेते हैं और सबके साथ कल फिर मिलेंगे हम इलेवन थर्टी अब जो चैप्टर्स हैं मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई मिस ना करे एक्चुअली डिफिकल्ट तो होता है और जो कईयों के क्वेश्चन ये थे सिंपल कि मेडिटेशन करने में दिक्कत है तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है अगर कोई हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी कराया जाए तो फर्स्ट सेकेंड डे में नहीं कर सकते किसी भी एक्सरसाइज करने में टाइम लगता है ना तो इसी तरह ये मन की एक्सरसाइज है इसको भी आप धीरे धीरे सीखेंगे ना तो बहुत सहज हो जाएगा इसीलिए इसको सहज बोलता जाता है मुश्किल कुछ भी नहीं है बस टेक्निक सीखते जाइए तो हम स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली दोनों तरीके से इस राज्यों का मेडिटेशन कोर्स को अच्छे से करेंगे और अपने जीवन में अच्छे से धारण भी करेंगे शुक्रिया